This series is very important for the students who are preparing for NIC Milet, Scientist B as well as Scientist A. We are covering all the previous year questions from 2016 to 2022. So, all the last 7 year questions we have already covered, we are, we are covering all of these questions in this series. And if you like the session, please subscribe to the channel and share with your friends. And at the same time, please install our Android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers.

एन आई सी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे आज भी हम इसी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है चलो वी विल स्टार्ट स्टार्ट करते हैं और जो बच्चे अच्छा ऑनलाइन है एक बार चैट में रिप्लाई कर दे ताकि अपने सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर पाए चलो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम बिलोंग्स टू विच डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम जो नाप्सक प्रॉब्लम है वो किस डोमेन का पार्ट है नंबर वन ए इज ऑप्टिमाइजेशंस नंबर बी इज एन पी कम्प्लीट सी इज लीनियर सॉल्यूशंस एंड नंबर डी इज शॉर्टिंग तो जनरली जब नापसिक प्रॉब्लम होती है दो तरह के नापसक प्रॉब्लम के एल्गोरिथम्स आती हैं पहला है हमारे पास दैट इज फ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज जीरो वन अब जो फ्रैक्शन एपसेक है दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एलगोर्थम वो ग्रीडी पार्ट है और उसी तरीके से मैं जीरो वन यूज़ करता हूँ दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब जनरली जो दोनों एलगोर्थम्स आती है दोनों एक ही पर्पज़ है पर्पज ये है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यानी कि आई अवॉन्ट टू मैक्सिमाइज बाई प्रॉफिट प्रॉफिट अब जो ऑप्टिमाइज करना है सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है सो दैट इज बाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास है, वो किस बेसिस पर वो है राइट नंबर ए इज गिम नंबर बी इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑप्शन नंबर सी इज बैक ट्रैकिंग एंड डी इज डिवाइड एंड कंकर ध्यान देना हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट आज मैंने क्या किया कि, सीरीज़ बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि जो क्वेश्चन पहले मैंने कवर नहीं किए हैं तो वो सभी चीज़ें हैं मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं कोई रिपीटिक क्वेश्चन नहीं लूँगा राइट जन में क्या होता है कि मैंने पहले एक दूसरे चैनल पे मैं क्लासेस में ले रहा था तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटिशन उसमें बहुत सारे रिपीटेशंस थे मतलब मैं लगभग तीन या चार महीने से एक ही सीरीज़ वहाँ से चल रहा था लेकिन आज इस सीरीज़ से हम एक स्टार्टिंग से करेंगे और इसमें रिपीटिशन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेंगे जनरली uh, हम so, हमारे पास दो तरह के हैं जैसे ग्रीडी हैं जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है अब जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जैसे फ्रैक्शन हुआ इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम जॉब सिक्वेंसिंग द डेडलाइंस दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स ऑप्टिमल मर्ज मैटर पैटर्न दर इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स कोड प्रिंस एंड ये सभी जो है का पार्ट है सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओके okay? और जिन स्टूडेंट ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो अपकमिंग मेरी सारी क्लासेस हैं इस चैनल पर ही रहेंगी आप इस पूरी सीरीज को भी आप यहाँ से एंजॉय कर पाए नंबर सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज सेइंग एन एलिमेंट इन एलिमेंट इन अरे एक्स इज कॉल्डर आपके पास एक एल्गोरिथम है जहां पर हम एक लीडर को हम लोग सेट करते हैं अब लीडर होता क्या है एलिमेंट्स यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है पूरे अरे के अंदर जहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और उसके राइट right वाले सारी वैल्यू है वो हमेशा छोटी रहेगी नाउ द बेस्ट एलगोर्थम टू फाइंड ऑल द लीडर्स इन एन अरे तो इसकी बेस्ट जो अरे है मतलब कौन से ऐसे एल्गोरिथम है जो हम यहाँ से यूज करते हैं तो पहले आपको समझाता हूँ कि हमारे पास लीडर का मतलब क्या होता है एक एग्जाम्पल लेता हूँ डेट टेक एन अरे अरे मैं यहाँ से बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगी चीज़ें टू सपोज दैट वी हैव द फर्स्ट इज सिक्सटीन देन वी हैव फोर वी हैव एज एज वेल अब जनरली इसमें से बताना है कि हमारे पास ग्रिड लीडर क्या है अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर सिक्सटीन अब सिक्सटीन जो है वो एक लीडर नहीं है क्यों क्योंकि इसके राइट right में जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा है तो इसलिए 16 जो है वो एक लीडर नहीं हो सकता नेक्स्ट आपके पास 17 है एंड यस yes, 17 इज ए लीडर क्यों क्योंकि इसके राइट right के जितने भी एलिमेंट है वो सब यहां से बड़े हैं उसके बाद फोर जो है वो लीडर नहीं है थ्री जो है वो भी लीडर नहीं है बट यस फाइव जो है वो एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right के जितने भी एलिमेंट है वो इसे छोटे हैं उसी तरीके से टू जो है वो भी एक लीडर है क्योंकि इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यानी कि इस पूरे अरे के अंदर लीडर्स लीडर कौन कौन से होंगे दैट इज सेवनटीन फाइव एज टू ये तीनों जो है वो यहाँ पर लीडर है अब मैं एक और एग्जाम्पल में यहाँ से देता हूँ ताकि ये क्लियरिटी आपको यहाँ से और अच्छे से आपको मिल जाए लेट अस टेक वन मोर अरे एक और अरे में यहाँ से देता हूँ देख लेते हैं हमारे पास जो लीडर है वो कौन कौन से होंगे लेट अस सपोज वी हैव फोर फाइव एज वेल एज टू तो सबसे पहला एलिमेंट वन है वन क्या लीडर है नहीं ए जो है वो लीडर नहीं है टू क्या वो लीडर है नहीं वो भी लीडर नहीं है थ्री जो है वो भी लीडर नहीं है फोर जो है वो भी लीडर नहीं है फाइव जो है वो एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right में सभी एलिमेंट है वो इसे सबसे छोटे हैं तो फाइव इज ए लीडर उसी तरीके से टू जो है वो भी एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right में कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसे बड़ा है तो यानी कि फाइव और टू दोनों जो है वो यहाँ पर लीडर हैं अब जनरली इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स आप यहाँ से बना सकते हैं जैसे सबसे ईजिएस्ट तरीका है वो आपके पास नेव एल्गोरिथम जो हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो जो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिग बिग ऑफ वन और ये जो है वो नेव इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी ऑप्टिमाइज करके भी एक एल्गोरिथम यहाँ से बना सकते हैं जहाँ से इसकी जो बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज़ बिग ऑफ एन और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ऑफ एन ही यहाँ पर रहेगी ठीक है और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक लीनियर एल्गोरिथम है अब इस एल्गोरिथम के लिए अगर आपको कुछ एग्जाम्पल चाहिए कुछ पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो एक लिंक मैं आपको यहाँ से स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस लिंक को भी आप यहां से यूज कर सकते हैं सो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ लीडर्स इन एन अरे ठीक है तो जो पहली एल्गोरिथम uh, आप चेक करेंगे दिस इज द नेव अप्रोच जब नेव अप्रोच आप यूज करते हैं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर निकलती है दैट इज एन स्क्वायर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर स्क्वायर निकलती है और स्पेस जो है बिग ऑफ वन है लेकिन अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से अगर एल्गोरिथम को हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन यहाँ से आई एम सॉरी दो जो ऑक्सिलरी स्पेस है दैट इज़ बिग ऑफ वन यहाँ से यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेटर सोल्यूशन और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है उसी तरीके से एक और सोल्यूशन है यहाँ से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बिग ऑफ एन एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो बिग ऑफ एन तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से आप इसको लीनियर टाइम पर इस सॉल्यूशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में इसी बारे में पूछा गया था कि आपके पास क्या हम इस प्रॉब्लम को जो लीडर वाली जो प्रॉब्लम है क्या हम हम इसको सबसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं जो टाइम होगा क्या वो लीनियर है करेक्ट आंसर इज यस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी जो है वो आपका सही आंसर है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग टू अल्टरनेटिव पैकेज ए एंड बी आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग अ डेटाबेस के आपके पास दो पैकेज है पैकेज है पहला है हमारे पास ए और दूसरा है आपके पास बी ठीक है एंड दे हैं अगर मैं पैकेज ए को यूज कर रहा हूं तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है that is N square time है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स राइट सेकेंड से मैं नहीं किया गया वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में यहां पर पूछा गया है उसी तरीके से अगर मेरे पास पैकेज बी है तो बी में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एन लॉग एन यहां पर गिवन है दैट टर्म्स टर्म्स इन ऑफ यूनिट्स और टोटल आपके पास एन रिकॉर्ड्स हैं नाउ वट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पैकेट बी विल बी प्रिफर्ड ओवर ओवर ए तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहां से गिवन है तो एम गिविंग यू सम टाइम कुछ टाइम लो और गिव द लोवर दिस क्वेश्चन बाय द वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा टकी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग एक से दो मिनट टाइम ऑब्वियसली आपको लगेगा ही लगेगा बट फिर भी बिकॉज आज पहली सीरीज है तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से मैं इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ और शायद मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखो दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले हमें गिवन है कि जब आपके पास पैकेज ए है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से बी के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर गिवन है और साथ साथ एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ उन्होंने बोला है कि बी विल बी प्रिफर्ड ओवर ए बी जो है हम उसको बी को प्रिफर करेंगे एस टर्म्स ऑफ ए तो वो किस कंडीशन पर ऐसा हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि बी कब प्रीफर करेंगे जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी यानी कि अगर ए और बी दोनों कंपेयर करना है ना कि जिसका टाइम कम होगा जिसका टाइम जो टाइम कम लगेगा तो विस इज दैटी मच बेटर इसी वजह से हमें पूछा गया है कि बी विल बी प्रीफर टू ए इसी वजह से अगर मैं स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करूँ अगर मेरे पास टेन एन लॉग एन बेस टेन इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एन स्क्वायर जब हम बोलेंगे B will be preferred as compared to A. तो हम स्टेटमेंट को यहाँ से बोल सकते हैं ठीक है अब जैसे दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके पास n गिवन है और यहाँ पर आपके पास n स्क्वायर है तो यानी कि मैं इस n की जो पावर है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और दूसरी चीज है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है वो आपके पास जीरो पॉइंट जीरो 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 वन है तो यानी कि वन बाई टेन थाउजेंड मैं इसको बोलूँगा यानी कि स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा टेन लॉग एन

लॉक टेन बेस टेन इज लेस इक्वल टू टेन रेज पावर के माइनस फाइव ये रिलेशनशिप यहाँ से आपके पास आ जाएगा ठीक है और ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू कितनी होगी दिस वैल्यू इज एक्चुअली वन तो यानी कि के इज लेस देन इक्वल टू टेन रेज पावर के माइनस फाइव ठीक है तो ये रिलेशनशिप हो गया ठीक है और इस रिलेशनशिप में ये जो स्टेटमेंट हो गया आपके पास वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से बी को ए को रिप्रेजेंट कर रहा है

ज लेस इक्वल टू टेन रेज पावर फाइव माइनस फाइव और फाइव इज लेस और इक्वल टू वन और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से फॉल्स है यानी कि अगर मैं के, के वैल्यू को फाइव दूंगा तो यह कंडीशन जो है यहां से फॉल्स होगी लेकिन अगर मैं इस के वैल्यू को मैं सिक्स दूंगा तभी स्टेटमेंट जो है यहाँ से वैलिड होगी यानी कि अगर मैं के, के वैल्यू की जगह पर मैं सिक्स रुकूंगा तो क्या होगा सिक्स इज लेस देवल टू टेन रेज पावर सिक्स माइनस फाइव और सेकेंड से सिक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन एंड यस ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से ट्रू होगी इवन दो अगर मैं इसे और भी बड़ी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करेंगे देन यू अंडरस्टैंड कि तब भी ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से वैलिड है बट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इस के की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पर सिक्स होगी इसी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर की सारी जो क्लासेस हैं मैं इस चैनल पर हमारे इस चैनल पर ही यहाँ पर रहेगा ठीक है चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं यहाँ से व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक फंक्शन जो है वो यहाँ पर गिवन है आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बतानी है सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास एक एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से मेरे पास एक आई है और यहाँ पर जे की एस की वैल्यू यहाँ पर है आई एम एज्यूमिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई जो फाइव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और एस की वैल्यू जो है वो इनिशियली इसकी वैल्यू वन है तो हम स्टे, स्टेटमेंट को हमें चेक करना है क्या इफ दिस वन इज लेस देन इक्वल टू एन जब ये यह स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास टू और इस एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज टू प्लस वन यानी कि वैल्यू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब उसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम वापस जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है यानी कि क्या इस वैल्यू थ्री को हम लेस देन इक्वल टू एन बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास आई की वैल्यू आपके पास थ्री हो जाएगी ठीक है मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सिक्यूट हो गए तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर थ्री और एस की वैल्यू यहाँ पर होगी दैट इज थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि दिस वैल्यू इज एज यू नो सिक्स ठीक है क्योंकि स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर दो चीजें हैं यहाँ पर एस और आई इन दो वैल्यूज को यहाँ पर मैंशन किया गया है यानी कि ये जो एस की वैल्यू थी वो यहाँ पर थी ठीक है यानी कि हमने इस वैल्यू थ्री को यूज कर दिया है मतलब थ्री इसको यूज किया है और आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर थ्री है जो उसको इधर यूज किया गया दिस इज प्रेजेंटिंग आई ठीक है नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या सिक्स इज लेस देन इक्वल टू एन एंड यू कैन सी यस ये कंडीशन यहां पर ट्रू है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पर आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर और एस की वैल्यू यहां पर आएगी दैट इज एस प्लस आई दैट इज एस की वैल्यू होगी आपके पास सिक्स आई मीन फोर और आई की वैल्यू दिस इज प्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई और एस की जो वैल्यू है वो आपके पास सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं दैट इज फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज टेन इसकी वैल्यू यहाँ से टेन होगी नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे क्या टेन इज लेस देन इक्वल टू एन और नॉट अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है नेक्स्ट टाइम हम आई की वैल्यू को फाइव बोलेंगे और इस एस की वैल्यू जाएगी एस प्लस आई और यू कैन से दिस इज प्रजेंटिंग एज आई प्लस टेन और यू कैन से दैट इज फिफ्टीन यानी कि स्टेटमेंट कुछ ऐसे बोल सकते हैं दैट इज फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन ये स्टेटमेंट यहाँ पर निकलेगी एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग एज फिफ्टीन वो यहाँ पर फिफ्टीन को इधर दिखाएगा ठीक है यानी कि अगर इन सभी ऑप्शन को एनालाइज करो ठीक है अगर आपके पास आई की वैल्यू वन थी तो एस की वैल्यू वन थी अगर आई की वैल्यू टू थी तो इस एस की वैल्यू हो जाएगी थ्री अगर आई की वैल्यू थ्री है तो एस की वैल्यू हो जाएगी सिक्स अगर i की वैल्यू फोर है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन अगर i की वैल्यू फाइव है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फिफ्टीन अगर i की वैल्यू सिक्स है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दैट इज ट्वेंटी वन यानी कि एक तरीके से जो भी इनकी वैल्यू को यहाँ पर निकालना है अगर मैं i की वैल्यू को k बोलूँगा तो इस s की वैल्यू हो जाएगी दैट इज k इन टू के प्लस वन डिवाइड बाई टू ये वैल्यू यहाँ पर आएगी ठीक है थोड़ा क्लियर नहीं है तो फिर से बताता हूँ अगर आई की वैल्यू यहाँ पर के है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू ये टोटल वैल्यू जो है वो इधर आपके पास आएगी ठीक है अब इसके बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन जो है ये कंडीशन कब फॉल्स होंगी ये कंडीशन तब फॉल्स होंगी वेन वी हैव के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू जब ये वैल्यू जो है वो एन से बड़ी होगी तब ये कंडीशन जो है वो यहाँ से फॉल्स हो जाएगी ठीक है तो यानी कि अगर देखा जाए इस में कुछ ऐसा बोल सकता हूँ के स्क्वायर बाई टू प्लस के बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन और इन दोनों स्टेटमेंट से जैसे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं ना तो एसिम्प्टोटिक हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो यानी कि सबसे बड़ी पावर है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आई कैन यूज़ इट इसको इग्नोर कर सकता हूँ मैं इसको भी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको इग्नोर कर सकता हूँ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और यू कैन से द वैल्यू ऑफ के इज़

आंसर हियर सिंपल क्वेश्चन है वो किसका पार्ट है एग्जाम्पल है द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी एंड आंसर इज बैक ट्रैकिंग डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके चलो इट्स द गिवन अरे एक अरे जो है वो यहाँ से गिवन है सो वी हैव वन टू थ्री एज वेल एस वन टू फोर एज वेल एस थ्री नाउ देयर सेंग द बबल सॉर्ट इज यूज टू सॉर्ट द अरे एलिमेंट्स देन हाउ मेनी पासीज विल बी डन टू सॉर्ट द एलिमेंट यानी कि आपके पास जो अरे है अगर उसको हम बबल सॉर्ट को यूज करें और एलिमेंट हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कितने पासिस की हमें ज़रूरत है हाउ मेनी पासिस वी नीड डी जो है वो इसका सही आंसर है एक्चुअली जो आंसर ना थोड़ी सी ट्रिकी है ट्रिकी नहीं है आई एम सॉरी स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा क्लियर नहीं है वाई आई एम से नॉट क्लियर लेट मी एक्सप्लेन जनरली हमारे पास दो तरह की एल्गोरिथम आती हैं जैसे आपके पास एक बबल सॉट है और जो दूसरी एल्गोरिथम हमारे पास आती है इसको बोलते हैं इम्प्रूवड बबल सॉट इम्प्रूव बबल सॉट ठीक है अब होता क्या है कि जब भी हम बबल सॉर्ट को यूज़ करते हैं तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है ठीक है इन द वर्स्ट केस और जो इसका बेस्ट केस है तब भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है लेकिन अगर हम इम्प्रूव बबल सॉर्ट को देखते हैं तो इसके वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है लेकिन जो इसका बेस्ट केस है बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज एंड को रिप्रेजेंट करता है यानी कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है इन किसी पास के बीच में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा डेटा जो है वो यहाँ से सॉर्ट हो चुका है माई डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड तब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तो वी जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ पासिस ठीक है अब जैसे सरे को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर गिवन है तो ये है वन टू फोर एज वेल एज थ्री बट एक चीज और समझने की कोशिश करना मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी भी आप क्वेश्चंस आपके पास आते हैं चाहे आपके गेट के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं चाहे वो आपके पास एक यूजी नेट एग्जाम में आते हैं किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो जब भी हम बबल शॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करते हैं कि हम हमेशा इम्प्रूवड बबल शॉट की ही बात करते हैं वी डोंट टॉक अबाउट कि ये बबल शॉर्ट है या फिर इम्प्रूवड है हमेशा इसको सिर्फ बबल ही बोलते हैं बबल जो है वो सिर्फ इम्प्रूव बबल शॉर्ट की तरफ से ही बोला जाता है अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि अगर मैं इसको बबल शॉर्ट को यूज़ करता हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ पासिस जो है वो यहाँ पर थ्री होगी ठीक है जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे अगर मैं सिर्फ इसको बबल शॉर्ट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा तो पहले पास नंबर वन को यूज़ करूंगा यानी कि अरे आपके पास कुछ ऐसा था वन टू फोर एज वेल एज थ्री तो यानी कि पहले वन और टू को कंपेयर करेंगे इट्स नॉट इट्स सॉर्टेड टू और फोर को चेक करेंगे ये भी सॉर्टेड है फिर फोर और थ्री है यस यहाँ पर चेंज होगी तो यहाँ पर आपके पास थ्री होगा और फिर यहाँ पर फोर होगा यानी कि अब अगर मैं पास नंबर टू पे आप जाएंगे तो अरेजमेंट कुछ ऐसा होगा वी हैव वन टू थ्री एज वेल एज फोर अब यहाँ से चेंज होगा क्योंकि अगर मैं सिर्फ बबल शॉट को यूज़ करता हूँ तो क्या होगा पहले वन और टू को कंपेयर करेंगे और फिर हम टू और थ्री को कंपेयर करेंगे और हमें फोर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो ये पास नंबर टू है तो हमें फिर पास नंबर थ्री हम लोग करते हैं ठीक है पास नंबर थ्री चेक करते हैं जब हम बबल शॉट को यूज़ करते हैं लेकिन अगर ये इम्प्रूवड बबल होता तो बबल शॉट इम्प्रूव बबल शॉट में हम यहाँ पर डन हो जाता और हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ठीक है हमें पास नंबर टू में पता चल कि हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हमें पास नंबर जाने की जरूरत है ही नहीं और अगर सिर्फ नॉर्मल बबल सॉर्ट है तो यहां पर क्या होगा यह एलिमेंट वन टू थ्री और फोर है तो हम सिर्फ वन और टू कंपेयर करेंगे आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उस केस में हमें टोटल एन माइनस वन पास ही करने पड़ेंगे टोटल ठीक है और अगर इंप्रूवड है तो केस में जहां पर पता चल कि हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हमें आगे नेक्स्ट पास करने की जरूरत नहीं है तो अगर इम्प्रूव बबल सॉर्ट होता तो आपके पास टोटल दो पास देखने के पड़ते हैं लेकिन अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी केस में हम इम्प्रूव बबल सॉर्ट ही एज्यूम करते हैं बट इनका जो ऑफिशियल आंसर था एनआईसी का वो ऑप्शन नंबर डी था सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिवन द इसी वजह से आई कैन से डी करेक्ट आंसर बबल सॉट वो सिर्फ बबल शॉट को बात कर रहे हैं देर नॉट टॉकउट इंप्रूव बबल सॉट ठीक है तो इसी वजह से डी विल बी द करेक्ट आंसर जो उन्हें गिवन है ठीक है चलो आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑड वन आउट इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से ऑड है यस द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है उसका सही आंसर सबको समझने की कोशिश करते हैं पहला जो है वो आपके पास मर्सॉर्ट है तो मर्सॉर्ट जो है डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी है तो देता से इट इज डिवाइड एंड ठीक है दूसरा जो है टीवीएसपी टीवी एस पी जो है फुल फॉर्म ऑफ दैट इज योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड दिस अ पार्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ठीक है तीसरा जो है नैपसैक प्रॉब्लम है अब नैपसैक प्रॉब्लम के दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं नापसेक प्रॉब्लम में पहला जो होता है मेरे पास दैट इज फ्रैक्शनल नाप्सैक फ्रैक्शनल नापसेक एंड द सेकेंड वन इज योर ठीक है अब ध्यान देना अगर आपके पास फ्रैक्शन नाप्सैक है तो उसको यूज करने के लिए हम ग्रीडी एल्गोरिथम को हम इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना इन सेम प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है चाहे फ्रैक्शनल है फ्रैक्शनल को ग्रीडी से भी यूज़ कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को डायनमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं बट डायनमिक में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है ग्रीडी जो है वो थोड़ा सा ईजी रहता है अगर हम जीरो नैपसैक है तब भी हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिकॉज इस क्वेश्चन में सिर्फ नैपसैक प्रॉब्लम पूछा गया है देन नॉट एक अबाउट की ग्रीडी है या फिर डायनेमिक है तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तीसरी जो प्रॉब्लम है द सेट ओ बी एस टी यानी कि हम इसको ऑप्टीमल बाइनरी सर्च ट्री हम लोग यहाँ से बोलते हैं एंड दैट इज अग्जाम्पल ऑफ नैप्सैक प्रॉब्लम ये भी जो है वो नैपसेक का ही पार्ट है इन सभी में से ऑड क्या है तो ए इज ऑड यानी कि डिवाइड एंड करने का स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर ऑड वैल्यू है ठीक है सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन

करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एलगोर्थम जो है उसपे आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्या रहेगी क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है और आपकी जो आपको पता होना चाहिए कैसे हम इस मल्टीप्लीकेशन को यहाँ से कर सकते हैं यानी कि हम रो को कॉलम से वर्ट्लाई करते हैं और फिर इन सभी वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी कि समझने की कोशिश करते हैं यानी कि जो आपके पास रो है मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कुछ ऐसा होगा आपके पास वन मल्टीप्लाइड बाई एट प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स तो पहली लोकेशन यहाँ पर आएगी दूसरा होगा अगेन वन मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू उसी तरीके से वी हैल्टीप्लाइड बाई एट प्लस सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स एंड सेम टाइम वी है मल्टीप्लाइड बाई टू यानी कि इन वैल्यू को अगर देखने की कोशिश करेंगे पहली वैल्यू कितनी होगी आपके पास दैट इज एट प्लस एटीन दूसरी जो वैल्यू है आपके पास दैट इज फोर प्लस सिक्स नेक्स्ट वैल्यू हो गया आपके पास फोर्टी प्लस आई थिंक दिस फोर्टी टू एंड दिस वैल्यू है ज ट्वेंटी प्लस फोर्टीन यानी कि मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास दैट इज दिस वैल्यू इज ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट वैल्यू हेयर इज टेन दिस वैल्यू इज एटी टू एंड दिस वैल्यू हीयर इज थर्टी फोर आई थिंक कुछ वैल्यू जो है हमारे पास आएगी ठीक है आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं बट इन विज पहली वैल्यू को चेक को कर लो ये सी वन वन को रिप्रेजेंट करा है और सी वन वन से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहली वैल्यू आपके पास ट्वेंटी सिक्स है जो हमारे पास आ रही है दूसरी वैल्यू टेन है जो यहाँ पर आ रही है फिर आपके पास एटी टू है जो यहाँ से मैच कर रहा है और फिर लास्ट आपके पास है थर्टी फोर वो यहाँ से दिखा रहा है तो इसी वजह से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज नॉट डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड कौन सी ऐसी एल्गोरिथम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है फर्स्ट इज बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लॉयड वार्शर्स एल्गोरिथम, नंबर सी इज जीरो वन नैपसेक एंड डी इज प्रिंस मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर है क्योंकि हम बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वो जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है दूसरा जो है फ्लोइड वॉशर्स एल्कोर्थम दैट इज ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ दट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ

and longest common subsequence problems is a example of which of the following ye, example here that is the correct answer the correct answer here is dynamic programming ye hai, dynamic programming part so a is the correct answer of this question okay Chalo, next let g be a graph with n vertices and m edges what is the tightest upper bound on running time of depth first search algorithm in g रिप्रेजेंटिंग यूजिंग मैट्रिक्स तो इस केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर क्या होती है जब हम बेथ फर्स्ट सर्च एलगम जो हम, हम लोग यूज करते हैं तो इस केस में वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो आपका सही आंसर है ठीक है चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस

तो फ्लोइड वॉशर्स एल्गोरिथम जो है द पार्ट ऑफ विच इज ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ ठीक है तो ये उसका ही पार्ट है और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर गिवन है ठीक है सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है विच इज द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड टू मोस्ट एफिशिएंटली फाइंड वेदर साइकिल इज प्रेजेंट इन द ग्राफ और नॉट आपके पास कौन सी एल्गोरिथम है जो सबसे एफिशिएंट है यह बताने के लिए कि ग्राफ में कोई साइकिल है या फिर नहीं है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एनआईसी आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज इस सेशन के अंदर हम कुछ प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो एल्गोरिथम्स रहेगा तो हम एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चन है आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन जो है इंटरेक्टिव है आपको किसी भी टाइम पर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है कुछ करी है तो आप फ्री होकर किसी भी टाइम पर मुझे डाउट यहाँ से पूछ सकते हैं क्योंकि इंट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली बेनिफिट यही होता है कि आप और मैं हम लोग मिलकर यहाँ से बात करेंगे तो बेनिफिट यहाँ से मिलता ही है तो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन ठीक है क्योंकि सेशन इंटरेक्टिव है बेनिफिट मिलेगा ठीक है और उसके साथ साथ अगर आप एन आई सी नेट की तैयारी करना चाहते हैं गेट की तैयारी करना चाहते हैं या यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिजीमेंटल एजुकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है वो अवेलेबल है और यहाँ पर फ्यूचर के बहुत सारे क्लासेस हैं जो हमारी एंड्रॉयड ऐप में भी होने वाली हैं तो जो भी हमारी एंड्रॉइड ऐप है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर या फिर पूरी डिटेल्स लेने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल सकते हैं कर सकते हैं दैट इज नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो फोर इस नंबर पर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं स्क्रीन आई थिंक आपने क्वेश्चन आपने देखा ही होगा ठीक है आंसर मैं यहाँ बताऊँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे सो बाय द वे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा कि मैट्रिक चेंज मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है और इसके दो अलग अलग मेथड्स हैं या तो आप इसको डायनमिक प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं तो डायनमिक प्रोग्रामिंग से मल्टीप्लीकेशनस करना थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा और अगर आप पूरा इन डेप्थ सॉल्व करना चाहते हैं तभी मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा ठीक है तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ से बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन जो है आप विद with, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे यूज़ करेंगे और विद विद प्रोग्रामिंग डायनमिक प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे दोनों चीज़ में है इस क्लास में आपके इधर बता दूंगा ठीक है तो समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल फोर मैट्रिक्स है जैसे एम वन एम टू एम थ्री एज वेल एज एज फोर टोटल आपके पास फोर मैट्रिक्स हैं तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ पहला जो है वो आपके पास एम वन एक मैट्रिक्स है दूसरा एम टू है फिर तीसरा एम थ्री है और फिर आपके पास है एम फोर अब ध्यान देना जब भी दो मैट्रिक्स होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाएगी जब उसकी जो कॉलम है वो दूसरे का रो सेम होना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं P क्रॉस Q इसके डायमेंशनस हैं उसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स है जहाँ पर हम Q क्रॉस R अगर हमारे पास होगा तभी आप इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि इसका ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो और ये दिखा रहा है कॉलम ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो कॉलम राइट यानी कि जब पहले जो मैट्रिक्स है इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है जब दोनों सेम है तभी आप इस मल्टीप्लीकेशन को आप यहाँ से कर सकते हैं और टोटल कितनी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी हमें कितनी मल्टीप्लीकेशन हमें रिक्वायरमेंट होगी सो दैट इज पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इतनी मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ से करनी पड़ती है ठीक है अब जैसे हमारे पास टोटल फोर मैट्रिक्स है तो उसको किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ से अलग हो सकता है जैसे टोटल तो फाइव तो वेज पांच तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पहला मैं सबसे पहले P1, M1 और M2 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा मैं उसको M3 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं उसको M4 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आपका पहला तरीका है दूसरा हम पहले M1 और एम टू और एम थ्री को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो रिज़ल्ट है मैं एम वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा मैं उसको एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा करूँगा सेकेंड वे दूसरे तरीके से हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीसरा तरीका है कि हम पहले एम वन और पहले एम टू और एम थ्री को पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रिज़ल्ट है मैं एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनली फिर उसको हम एम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अगला तरीका क्या हो सकता है हमारे पास कि हम एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर यानी कि सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एम वन एम टू को उस तरीके से आपके पास एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया है और फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो सकता है ठीक है उसके अलावा भी एक और तरीका है वो तरीका क्या है आपके पास पहले हमने एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया जो भी रिजल्ट आया मैंने एम टू के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी रिजल्ट आया हमने एम वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल अगर आप चेक करेंगे दरा फाइव वेज पाँच तरीके से इस uh, को मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटल फाइव तरीके से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल फाइव वे ठीक है फ्रेंड्स नो ए जो है वो इसका सही आंसर नहीं है ऑब्वियसली ए एक आंसर होगा इन सभी में से बट हमें क्या चाहिए हमें सबसे मिनिमम मल्टीप्लीकेशन चाहिए वट इज वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है तो उसका सही आंसर सी है ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं ऑब्वियसली इनको हर एक पर्सनली आप बना लो ठीक है चले इसकी वैल्यू को निकालो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो एक पहला तरीका है और दूसरा है डायनमिक प्रोग्रामिंग तो पहला जो तरीका है वो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मल्टीप्लीकेट थोड़ा सा है है तो मैं पहली मल्टीप्लीकेशन को ही मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ठीक है तो पहला तरीका है मैं यहाँ स्क्रीन पे इधर बना रहा हूँ पूरे स्क्रीन को आप देखेंगे यहाँ से तो फोर मैट्रिक्स थे पहले मैंने एम वन एम टू एम थ्री और एम फोर को मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ यानी कि सबसे पहले एम वन एम टू टू को मल्टीप्लाई करो और फिर हमने एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया और फिर जो आपका रिजल्ट है मैं दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ ठीक है यानी कि इसको जो डायमेंशनस थी वो पी क्यू थी और इसकी जो डायमेंशनस थी वो क्यू आर थी इसकी जो डायमेंशनस है वो आर इन टू एस है और इसके जो डायमेंशंस है वो एस क्रॉस टी है इन दोनों केस में कितनी मोटिफिकेशन चाहिए होंगे हमें दैट इज़ पी क्यू एन आर इतनी मोटिफिकेशन यहाँ पर चाहिए होंगी और इन दोनों में से कितनी मोटिफिकेशन चाहिए होगी वो आर एस एस आर एस टी इनकी मोटिफिकेशन हमें रिक्वायरमेंट होगी और यानी कि जो डायमेंशनस यहाँ से निकलेगी ठीक है उस डायमेंशन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन रहेगी जो न्यू मैट्रिक्स होगा जिसको हम एम फाइव मैं इसको बोलूँगा और जो उसकी डायमेंशंस होंगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन पी क्रॉस आर ठीक है और उसी तरीके से इसकी जो डायमेंशंस होंगी इसको एम सिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो उसकी डायमेंशंस होगी दैट इज़ आर क्रॉस टी तो यानी कि जो टोटल इसकी मल्टीप्लीकेशन होंगी दैट इज़ पी क्रॉस आर क्रॉस टी ये टोटल मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगे यानी कि टोटल वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास आएगा पी क्यू आर प्लस आर एस टी प्लस पी आर टी इतने टोटल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए होंगे ठीक है और इन सबकी वैल्यूज को हमें यहाँ से निकालना है ठीक है तो फर्स्ट वे पहला तरीका मैंने आपको ऐसे बताया ही है और जैसे फर्स्ट केस समझाने की के कोशिश करता हूँ आपके पास पी की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वो आपके पास टेन थी इस क्यू की वैल्यू थी आपके पास हंड्रेड और आर की वैल्यू थी यहाँ पर ट्वेंटी यानी कि जो टोटल वैल्यू इधर आएगी आपके पास डेट इज टू जीरो 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 यानी कि लगभग आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड इसकी वैल्यू निकलेगी ऐसे ही आर की जो डायमेंशंस थी वो ट्वेंटी थी एस की जो डायमेंशन थी दैट इज फाइव एंड टी की जो डायमेंशन थी वो आपके पास एट्टी थी यानी कि दोनों की वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आई थिंक एट्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानि कि एट थाउजेंड के आसपास इसकी वैल्यू निकलेगी यानी कि यहाँ पर टोटल ट्वेंटी एट थाउजेंड इसकी एक मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है उसी तरीके से एडिशन uh, हमें करना था ठीक है उसी तरीके से हम लास्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे जैसे पी आर और टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि पी के, के केस में इसकी वैल्यू 10 है आर uh, की वैल्यू जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी की वैल्यू है यहाँ पर 80 यानी कि टोटल इसकी वैल्यू होगी 4000 थाउजेंड यानी कि जब टोटल वैल्यूज को आप यहाँ से ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर थर्टी के आसपास इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी राइट दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइक थर्टी के आसपास ठीक है अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ यहाँ से uh, तो वी हैव पी आर एस टी ना तो हमने जो लास्ट तरीके यूज़ किया था हमने दैट इज़ पी आर टी पी की वैल्यू जो थी वो आपके पास टेन थी और आर uh, की वैल्यू ट्वेंटी थी सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं इसको यहाँ से करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्वेंटी और टी की वैल्यू जो थी वो आपके पास एटी को रिप्रेजेंट है सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ लाइक सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है तो यानी कि अगर इस टोटल वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है वो फोर्टी फोर थाउजेंड इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है ऑब्वियसली दैट इज टेक लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम यहाँ से लगेगा तो इसी वजह से सारी कैलकुलेशंस को मैं फटाफट बिकॉज मैंने पहली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो इन सभी कैलकुलेशंस को पहले कर चुका हूँ तो इसलिए वैल्यू जो है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ तो पहला तरीका क्या हो सकता है पहला अगर हम एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू और एम थ्री मल्टीप्लाइड बाय एम फोर पहली ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर पी क्यू आर प्लस आर एस टी प्लस पी आर टी ये इसकी वैल्यू निकलेगी दूसरा तरीका ये है कि एम वन के साथ एम टू और एम थ्री को मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसका जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ से एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास क्यू आर एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी आर टी इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसी तरीके से तीसरा तरीका है कि मैं एम वन और एम टू को मल्टीप्लाई करूँगा जो रिज़ल्ट आएगा मैं एम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और जो रिज़ल्ट आएगा मैं एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी दैट इज़ पी क्यू आर प्लस पी आर एस प्लस पी एस टी इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसी तरीके से मैं एम वन के साथ एम टू के साथ एम थ्री और एम फोर को साथ मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो टोटल वैल्यू यहाँ से निकलेगी दैट इज आर एस टी प्लस क्यू क्यू टी क्यू आर टी एंड दिस रिप्रेजेंटिंग पी क्यू टी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और द लास्ट है आपके पास क्यू एस क्यू आर एस प्लस क्यू एस टी लास्ट को पूरा बताता हूँ सो लास्ट जो है हमारे पास दैट इज एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू मल्टीप्लाइड बाई एम थ्री मल्टीप्लाइड विद एम फोर तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ क्यू आर एस प्लस क्यू एस टी प्लस पी एस टी ठीक है सो ऑब्वियसली दैट इज टेक लॉट ऑफ टाइम इस तरह के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकलने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और बट स्टिल टेल यू बेटर वे बेटर तरीका क्या है अब जैसे पहली वैल्यू जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आपके पास आएगी टोटल फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है फोर्टी फोर थाउजेंड यहाँ से निकलेगी और उसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रजेंटिंग नाइनटीन थाउजेंड वो नाइनटीन थाउजेंड को रिप्रेजेंट करेगा तो इन सभी में से सबसे छोटी वैल्यू जो है नाइनटीन थाउजेंड ही है और हमारे पास नाइनटीन थाउजेंड वैल्यू हमारे पास पहले से मिल चुकी है तो यानी कि बाकी सभी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर सी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली बाकी कैलकुलेशन अगर आपको करना पड़ेगा दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली ट्वेंटी मिनट लेकर हाफ एन आवर भी लग सकता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो ये पहला तरीका है द सेकेंड वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ भी हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तब जो कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा ठीक है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए मैं एक टेबल जो है मैं यहाँ से बनायाता हूँ एक बिकॉज टोटल आपके पास फोर मैट्रिक्स है तो मैं इस तरीके से फोर बाय फोर मैट्रिक्स में यहाँ से बना दूंगा तो आपका काम जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा ठीक है और लेट मी टेक समथिंग अ बेटर वन इसे साइज जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से यहाँ से बना लेते हैं तो टोटल फोर कॉलम्स एज वेल एज फोर कॉल फोर रोज ठीक है इस वैल्यू को मैंने यहाँ से बना दिया है ठीक है अब इस मैट्रिक्स में से कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा जैसे पहली जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन कोमा वन को रिप्रजेंट करा है यानी कि एक ही मैट्रिक्स है इसके वैल्यू मैं टू कोमा टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये जो वैल्यू है आपके पास वो मैंने थ्री कोमा थ्री से रिप्रेजेंट किया है और इसकी जो वैल्यू है मैं फोर कोमा फोर से रहा कराऊँ ठीक है अब उसी तरीके से ये जो नेक्स्ट वैल्यू हो गया हमारे पास आ, हमारे पास वन कोमा टू की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है तो यानी कि समथिंग लाइक दिस कि इसका मतलब है कि मैं यहाँ से वन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके पास टू होगा ये थ्री होगा और ये शायद आपके पास फोर होगा और यहाँ पर भी मैंने फोर को रिप्रेजेंट कर दिया ये थ्री है ये टू है, है और ये आपके पास वन है तो यानी कि पहला यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है एम वन साथ मल्टीप्लाई नहीं किया है तो कित नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी होंगी दैट विल बी जीरो उसी तरीके से ये जो दिखा रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जो एम टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगी और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगी बिकॉज ये सब सोलो मैट्रिक्स है जब मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैंने एम वन को और एम टू को मैंने मल्टीप्लाई किया है और जो मल्टीप्लीकेशंस है वो यहाँ पर आपके पास आएगी जैसे एम वन की जो डायमेंशन थी वो पी क्रॉस क्यू थी और एम टू की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्यू क्रॉस आर थी तो इनकी जो डायमेंशंस होंगी जो मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगी दैट इज़ पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इतनी इसकी डायमेंश मतलब इतनी मल्टीप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी टेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी देर फोर दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग एज ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सर ये पहले वाला मैट्रिक्स सही है या पहले कोई भी यूज़ कर सकते हो पहला भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसकी नंबरिंग को चेंज किया है वो थोड़ा सा ना उस तरह से भी आप बना सकते हो बट बेसिकली uh, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें क्या है कि ये समझना इसमें कैलकुलेशन करना यहाँ पर बहुत ईजी है आप पहले वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो ये भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो बोथ ऑफ थिंग्स आर परफेक्टली फाइन दोनों बिल्कुल सही है यहाँ से ठीक है अब फिर हमने इस वैल्यू को यहाँ से बनाया है इस इसका मतलब क्या है कि हमने मैट्रिक्स टू को यूज़ किया है और साथ साथ मैंने मैट्रिक्स थ्री को मैंने यूज़ किया है इन दोनों की जो मल्टीफ्लीकेशन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आप चेक करेंगे एम टू की जो डायमेंशन हैं वो यहाँ पर क्यू क्रॉस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम थ्री के डायमेंशंस है वो आर क्रॉस एस को रिप्रेजेंट कर रहा है देर फोर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन गोइंग टू बी दैट इज क्यू आर एज वेल एस एस तो यानी कि क्यू की जो वैल्यू थी दैट वॉज हंड्रेड एंड आर की जो वैल्यू थी दैट इज ट्वेंटी और एस की जो वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फाइव देयर फोर दिस वैल्यू इज आई सी ठीक है से कैलकुलेट दिस हाँ तो इसकी जो वाली होगी आपके पास वो टोटल टेन थाउजेंड को ही रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग टेन थाउजेंड तो यानी कि यहाँ पर मैंने टेन थाउजेंड इसकी वाली को यहाँ से निकाला है ठीक है उसी तरीके से इस मैट्रिक्स को आप समझो ये एम फोर मल्टीप्लाइड बाई एम थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि अगर मैं सिर्फ एम थ्री को यूज़ करता हूँ अगर इफ़ आई से इन दिस वे कि आपके पास ये एम थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एम फोर को रिप्रजेंट कर रहा है यानी कि एम थ्री की जो है वो होगी आपके पास विशेष आर क्रॉस एस और एम फोर की जो डायमेंशंस है दैट इज़ एस क्रॉस टी है यानी कि आर एस टी इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए होंगी यानी कि जो वैल्यू होगी आर की वो है यहाँ पर ट्वेंटी और एस की जो वैल्यू होगी दैट इज़ फाइव और टी की जो वैल्यू है दैट इज़ एटी ठीक है देर फोर दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइक एट थाउजेंड वो यहाँ से एट थाउजेंड को रिप्रजेंट करा देर फोर दिस वैल्यू इज़ लाइक एट थाउजेंड ठीक है अब नेक्स्ट वैल्यू को समझो ठीक है नेक्स्ट वैल्यू को समझो अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टेटमेंट को समझो इसका मतलब क्या है कि हमें वन से लेकर थ्री तक हमें मल्टीप्लाई करना है यानी कि मैट्रिक्स वन टू और थ्री यहाँ पर अवेलेबल है और इन तीनों में से हमें देखना है कि बेटर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर आप आपको समझने की कोशिश करेंगे तो दो तरीके हैं या तो पहले मैं एम वन के साथ एम टू और एम थ्री के वैल्यू को यहाँ से यूज़ करूँ या फिर मैं एम वन और एम टू को मल्टीप्लाई करूँ और जो उसका रिजल्ट है मैंने एम थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया किसी भी तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो बिकॉज हमने एम टू एम थ्री इसकी कैलकुलेशन हम पहले से निकाल चुके हैं और ये वैल्यू कहाँ पर थी ये वाली जो वैल्यू है हमने इस केस में हमने यहाँ से निकाला था यानी कि इसकी वैल्यू जो थी आपके पास टेन थाउजेंड डायमेंशन मतलब टेन थाउजेंड इसकी मल्टीप्लीकेशंस थी और यहाँ से एम वन की जो डायमेंशन जो थी वो आपके पास एज अ पी क्रॉस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था और इन दोनों की जो डायमेंशन थी ठीक है तो यानी कि म यूजिंग दिस टू तो आपकी जो डायमेंशन होगी वो Q क्रॉस S होगी यानी कि जो डायमेंशन होंगे दैट इज़ पी क्यू एस ये मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगी ठीक है उसी तरीके से इसका मतलब है कि मैंने M1 और M2 को मैंने यूज़ किया है यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो हम पहले से निकाल चुके हैं ठीक है थेके? उसके अलावा जो उसके डायमेंशनस होंगे ठीक है इसके जो डायमेंशंस होंगे हमारे पास वो पी क्रॉस आर होगी और एम थ्री का जो डायमेंशनस है वो आर क्रॉस एस है यानी कि जो नंबर मल्टीप्लीकेशन कितने चाहिए होंगी दैट इज पी आर एज वेल एज एस और इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ से ऐड करो यू कैन फाइंड कि टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने चाहिए होंगे ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं अब बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा तो मैं इस कैलकुलेशन को पहले से निकाल चुका हूँ ठीक है जैसे इस वैल्यू को आप समझो की कोशिश करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी दैट इज़ समथिंग लाइक फिफ्टीन थाउजेंड इसकी वैल्यू आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है क्लियर और उसी तरीके से अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास निकलेगी एज ए फिफ्टी थाउजेंड और इन दोनों में से जब हम इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि एक इसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी दैट इज लाइक नाइनटीन थाउजेंड तो टोटल तो नाइनटीन थाउजेंड वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है यस सो रजनी आई थिंक यू अंडरस्टैंड तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो हमें बस इस वैल्यू को यहाँ से रखना है तो आई यू कैन यूज़ एनी ऑफ़ दिस मेथड्स आप कोई भी मेथड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है या तो आप चाहें इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करूंगा तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करना टाइम आपको कंपेटिवली यू नो इट विल टेक लेस टाइम वो लेस टाइम रहेगा इस प्रोसेस के अंदर ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड कुछ डाउट है तो उनसे पूछ सकते हैं तो पूछा गया है द तो हैश फंक्शंस ऑफ डिफाइंस तो आपके पास एक फैंश जो हैश फंक्शन है वो गिवन है जिसके अंदर हमने मॉड सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि टोटल आपके पास सेवन स्लॉट्स से। हैं तो मैं सेवन स्लॉट्स को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है तो दिस इज़ स्लॉट वन ये होगा टू ये होगा थ्री दिस इज़ फोर दिस इज़ फाइव एंड दिस इज़ सिक्स एज वज सेवन और इनकी लोकेशन रहते हैं जैसे दिस इज प्रजेंटिंग एज ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एज वेल एज सिक्स और जो फंक्शंस हमने यूज़ किया हुआ दैट इज़ की मोड सेवन यानी कि सबसे पहले नंबर हमारे पास आई है यानी कि थर्टी सेवन मॉड सेवन को हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे तो सबसे पहले थर्टी सेवन मॉड सेवन को हमने यहाँ से यूज़ किया था तो यानी कि हम थर्टी सेवन को यहाँ पर डाला फिर आपके पास थर्टी एट मॉड सेवन निकाला था सो so, जिसकी वैल्यू आपके पास थ्री निकली थी यानी कि थर्टी एट को यहाँ पर डाला ये वाली वैल्यू हमारे पास स्कीप हो गई थी तो यहाँ पर सेवनटी टू मॉड सेवन निकालेंगे तो वैल्यू आपके पास टू निकलेगी बट ये लोकेशन बिजी है तो यानी कि इसकी अगली लोकेशन को ले लेंगे यानी कि सेवनटी टू प्लस वन मॉड सेवन निकालेंगे सो दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग थ्री बट ये भी लोकेशन बिजी है तो मैंने सेवनटी थ्री प्लस टू को यू निकालेंगे तो आपके पास मॉड सेवन निकलेगी यानी कि यह आपके पास लोकेशन नंबर रिप्रेजेंटिंग एज फाइव uh, आपके पास 72 टू तो टू आ गया फिर 72 टू प्लस थ्री थ्री आ गया फिर सेवेंटी टू प्लस टू निकालेंगे तो आपके पास सेवन निकलेगा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एस फोर तो यानी कि 72 टू को हम यहाँ पर डालेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फोर्टी एट मॉड सेवन एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज एस सिक्स तो यानी कि फोर्टी एट को यहाँ पर डालेंगे फिर आपके पास है नाइनटी एट तो नाइनटी एट मॉड सेवन ये वैल्यू आपके पास आ रहा है ज़ीरो तो नाइन्टी एट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है फिर आपके पास आ रहा है इलेवन तो एलेवन मॉड सेवन सो यानी कि फोर को रिप्रेजेंट कर रहा कराऊँ बट ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी बिजी है तो मैं अगली लोकेशन को मैं ऐड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ फाइव तो यानी कि हम इलेवन को हम यहाँ पर डालेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास फिफ्टी सिक्स था तो मैं फिफ्टी सिक्स मॉड सेवन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से लोकेशन आपके पास निकलेगी दैट इज़ ज़ीरो पर ये लोकेशन ऑलरेडी बिजी थी तो इसके अगली लोकेशन ले लो तो यहाँ पर फिफ्टी सिक्स यहां पर आपके पास आएगा एट द फर्स्ट लोकेशन ठीक है तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने पूछा था कि इलेवन कहाँ पर स्टोर्ड है तो अगर आप चेक करेंगे वो फिफ्थ लोकेशन पर है तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है येस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके द हैश टेबल हैज स्पेस ऑफ हंड्रेड रिकॉर्ड्स आपके पास एक हैश टेबल है जहां पर टोटल हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं देन द प्रॉबी ऑफ रिकॉर्ड कोलिजन बिफोर द टेबल इज़ टेन परसेंट ऑफ यानि कि अगर आपके पास एक जो टेबल है वो टेन परसेंट फुल है यानी कि नाइन्टी परसेंट अभी बचा हुआ है तो आपके पास कोलिजन होने की प्रॉबर्टी क्या है वट इज़ द प्रॉबी ऑफ कोलिजन तो लटा सपोज़ कि आपके पास एक हैश टेबल है ठीक है तो हैश टेबल को मैं इस तरीके से यहाँ से बना रहा हूँ ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से समथिंग लाइक दिस ठीक है यानी कि जो पहला इंडेक्स लोकेशनस है वो ज़ीरो है ये है वन ये होगा टू ये होगा थ्री ये होगा फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन अप टू सो ऑन जो लास्ट लोकेशन है वो आपके पास नाइनटी नाइन है ठीक है अब यानी कि टोटल आपके पास हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं टोटल हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं और इसमें उन्होंने बोला है कि टोटल आपके पास टेन परसेंट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी फुल है यानी कि टेन में से हंड्रेड में से अगर मैं टेन परसेंट को यहाँ से यूज करूंगा ठीक है यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज टेन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन परसेंट यानी कि दैट इज हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइड बाई थाउजेंड यानी कि टोटल आपके पास टेन रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर फुल है वो यहाँ पर डाले हैं पर वो डाले कैसे वो डाले कैसे ठीक है तो समझने की कोशिश करो अगर हमने पहला रिकॉर्ड लिया पहला रिकॉर्ड मैं कहीं पर भी डाल दूँ पहला कहीं पर भी डाल सकता हूँ जैसे पहले जो लोकेशन है मैंने यहाँ पर डाल दिया ठीक है तो ऑब्वियसली बिकॉज कम्प्लीट जो हैश टेबल था कम्प्लीटली एम था तो इसको कोई भी कॉल्यूजन होने की कोई चांसेस नहीं है लेकिन मैंने एक दूसरा एक और वैल्यू मेरे पास आई है जो यहाँ पर वाइफ है और वाइफ को वाइफ को मैंने पूरे टेबल में मुझे डालना है बट वो कहाँ पर डालूंगा वो यहाँ पर भी हो सकता है 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 लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है अगर वो एलिमेंट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपके पास एक कॉलिजन होने के चांसेस हैं यहाँ पर कॉलिजन होने के चांसेस हैं ठीक है थीके? तो यानी कि जो पहला एलिमेंट है y, इस y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सेम लोकेशन यानी कोलिजन होने के चांसेस कितने हैं तो वह होगा y बाय टोटल हंड्रेड ठीक है मतलब एक ही एलिमेंट था ना यहाँ पर एक ही एलिमेंट था तो यानी कि टोटल इस y के लिए हमें वन बाई हंड्रेड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो सेम एलिमेंट इसी लोकेशन पर होगा ठीक है अब लेडा सपोज हमने यहां से देखा और हमने नेक्स्ट लोकेशन पे हमने y को डाल दिया अब एक और एलिमेंट हमारे पास आया है जो z को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वो z है तो कहीं पर भी हो सकता है लेकिन बस वो इन दो जगह पर नहीं होगा क्योंकि इन दो लोकेशन पर होगा तो यहां पर आपके पास एक कॉलिजन होगा और क्वालन होने की Z में कॉल्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट इज गोइंग टू बी टू बाई हंड्रेड क्योंकि दो एलिमेंट जो है वो यहाँ पर बिजी है बाकी सब फ्री है ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे पहले हमारे पास टोटल टेन परसेंट फुल थे तो यानी कि हर एक केस में प्रोबेबिलिटी हो सबकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है वो यहाँ से बता सकते हैं ठीक है कहने का मतलब है कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे अगर पहला एलिमेंट था उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है वन क्योंकि वो कंप्लीट टेबल फ्री थी फिर नेक्स्ट अगर दूसरा एलिमेंट है वो सेम कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो वन बाई हंड्रेड होगी फिर तीसरा जो तीसरा एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने, होने की कोल्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो थी टू बाई हंड्रेड उसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपके पास थ्री बाई हंड्रेड ऐसे ही इसको आप ऐड करो टिल नाइन बाई हंड्रेड ठीक है क्योंकि तब जाके ये टोटल आपके जो है टोटल टेन टेबल टेन एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं इन टोटो की जो प्रॉबर्टी है सबको ऐड कर लो प्रॉबल्टी ऐड करो और जो भी वैल्यू आएगी बिकॉज हमें इसको हम ऐड करेंगे ठीक है तो पहले एलिमेंट को आप छोड़ दो लेकिन ये जो एलिमेंट है यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन होने की वैल्यू को निकालो ठीक है और सबके वैल्यू को ऐड कर दो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू को आप चेक करेंगे तो ये हो गया आपके पास पहली वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन उसके साथ इस वैल्यू को आप ऐड करोगे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू इसके यानी कि जो कोलिजन की प्रॉबर्टी है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री उसी तरीके से लास्ट एलिमेंट जो वैल्यू होगी दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन तो ये सब की प्रॉबलिटी है और सबको आप ऐड करेंगे ना तो यू कैन से इट इज़ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन नाइन उसको डिवाइड करो हंड्रेड के साथ और ये जो टोटल वैल्यू अगर आप इनको ऐड करेंगे वन से लेकर नाइन तक अब सब वैल्यू को आप ऐड करेंगे सो दैट इज़ फोर्टी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड यानी कि ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां से आपके पास आती है ठीक है सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ठीक है प्रोबेबिलिटी होने की क्या है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए ए इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से एक कर निकलेगी ठीक है इज इट क्लियर ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है ये कई जगह पर आ चुका है और कई तरह के क्वेश्चन कई लोकेशन पर भी ये देखा भी है ठीक है तो एज ऑफ नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज जीरो पॉइंट फोर फाइव ठीक है तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है लॉग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एवरेज सर्च टाइम ऑफ हैशिंग विद लीनियर प्रोबिंग विद लेस देन विल बी लेस इफ द लोड फैक्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंगे जो क्वेश्चन है तो एनआईसी का क्वेश्चन है तो आपका जो सर्चिंग टाइम जो है वो यहाँ से कम होना चाहिए तो आपका लोड फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए सो दैट इज इट इज ऑप्शन नंबर ए इट इज लेस देन वन तो ए जो है वो इसका सही आंसर होगा ठीक है तो अगेन द सेम सिमिलर क्वेश्चन है तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप दोनों क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन था वो नीले टू दिसंबर का एग्जाम का क्वेश्चन था वो साइंटिस्ट ए का क्वेश्चन था और यही जो क्वेश्चन है ये टू अक्टूबर का क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन सेम ही है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ही है कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है बट फर्क क्या था एक एग्जाम हुआ था अक्टूबर एक हुआ था दिसंबर और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ था क्योंकि उसके बाद दोबारा से कुछ वैकेंसीज और चाहिए थी तो दे क्रेड अ सेम क्वेश्चन राइट चलो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर गिव मी द आंसर हेयर इन द चैट क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो वन नाप्सैक जो है उसका एक क्वेश्चन है आप तो मुझे बता सकते हैं टेक योर टाइम टाइम लेंगे गिव मी द आंसर हेयर सुधेर सिंह वी हैव जीरो वन नैपसेक इज एन वेल नोन प्रॉब्लम वेयर इट इज डिज़ायर टू गेट मैक्म प्रॉफिट बाई प्लेसिंग एन आइटम्स ठीक है बेसिकली उन्हें एक डेफिनेशन बताई है कि हमारे पास जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम क्या है और इसको मतलब वो करते क्या है वाई वाई डू यूनिट जीरो वन नैपसैक क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करना है ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह तो सिंपल डेफिनेशन है इसको तो आप अगर आपको जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम है तो इसे आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं तो यहां से पढ़ना शुरू करो देर इंग टेबल गिवन बिलो शोज द द वेट एंड एसोसिएटेड यानी कि सबका एक वेट और उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ से है वेयर वन यूनिट ऑफ ईच आइटम इज अवेलेबल टू यू इट इज ऑल्सो गिवन दैट कैपेसिटी इज डब्ल्यू इज एट ठीक है तो आपकी नाप्सक की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर एट गिवन है इफ द जीरो प्रॉब्लम जो है हम उसको डायनिक प्रोग्रामिंग से हम लोग तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से क्या हो सकता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन बहुत ईजी है डायरेक्ट है पर उसकी डेफिनेशन ही है करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है तो इफ्यूनिट एक्सप्रेशन अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ ठीक है तो इन दो चीजों की हमें जरूरत होनी चाहिए पहले आपके पास कितने आइटम्स है और कितनी आपकी कैपेसिटी है ठीक है इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास कुछ स्पेस है तो मैं देखता हूँ कि यस आई थिंक ज़्यादा स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पर ही मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और कॉन्सेप्ट यह आपको यहाँ से समझा पाऊँ ठीक है तो चेक करो यहाँ पर टोटल आपकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर गिवन है वो एट है और टोटल आइटम्स है आपके पास फाइव तो एक टेबल यहाँ से बना लेता हूँ इस पूरी चीज़ के इसमें ठीक है आई कैन मेक अ टेबल लाइक दिस तो इस टेबल में हमारे पास टोटल एट uh, जो है वह यहाँ पर गिवन है तो टू दिस इज थ्री फोर फाइव सिक्स एज वेल एज सेवन एट ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज़ वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है वो यहाँ पर गिवन है तो बेसिकली हमने दो चीज़ यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है कि आपके टोटल कैपेसिटी uh, कितनी है तो कैपेसिटी एट है तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ दैट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एज वेल एज एट और उसके साथ साथ कितने आइटम्स हैं तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग वन दिस इज टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फोर एज वेल दिस इज़ फाइव तो पहले रो में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कई बार क्या होता है कि आ, अगर आपके पास कोई भी आइटम नहीं है तो हर एक केस में वैल्यू हम यहाँ पर जीरो एज्यूम कर सकते हैं बट फ्री में इसको ईज़ी तरीके से मतलब थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर, पर यूज़ करेंगे तो अगर आपके पास सिर्फ एक आइटम है ये बता रहा है कि आपके पास एक ही आइटम है और उसको जो, जो प्रॉफिट है वो आपके पास वन है तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो आपके पास यहाँ से थ्री निकलेगा यहाँ पर भी आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर थ्री ही रहेगा ठीक है यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास थ्री ही निकलेगा ठीक है फिर नेक्स्ट केस को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि अगर आपके पास दो आइटम्स हैं आइटम नंबर वन एज वेल एज टू यहां पर अवेलेबल है और आपकी कैपेसिटी वन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास कितना होगा तो प्रॉफिट होगा आपके पास आप यहाँ से सिर्फ आइटम नंबर वन को ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी थ्री लेकिन अगर आपके पास दो कैपेसिटी टू है और आपके पास दो आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी फाइव और अगर आपके पास टोटल थ्री आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इन दोनों को आप यहाँ से प्रॉफिट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टोटल आपके पास एट होगा तो ये टेबल जो है इस तरीके से आपको इज द मैक्सिमम प्रॉफिट फिर थर्ड दिखा रहा है कि आपके पास तीन आइटम्स हैं आइटम नंबर वन आइटम नंबर टू और आइटम नंबर थ्री यहाँ पर अवेलेबल है और ये आपको दिखा रहा है कि टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है तो इस केस में हम सिर्फ एक ही आइटम नंबर वन को ही हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इन तीनों में से क्योंकि इसका वेट सबसे छोटा यही है तो यहाँ का प्रॉफिट आपके पास थ्री ही निकलेगा यहाँ पर अगर आपके पास दो आइटम्स हैं तो इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आपके पास इधर आएगा दैट इज़ फाइव और अगर आपके पास थ्री आइटम्स हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास एट ही इधर आपके पास आएगा फिर अगर आपके कैपेसिटी फोर है तो फोर के केस में चेक कर लेना कि यहाँ पर इन तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास नाइन निकलेगा तो मैं नाइन यहाँ पर यूज़ करूँगा और अगर आपकी कैपेसिटी यहाँ पर फ़ाइव होती है तो फाइव के केस में मैं दो वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यानी कि एक तो हम इस आइटम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यानी कि जिसका प्रॉफिट आपके पास थ्री है और यहाँ से इसका प्रॉफिट है नाइन तो उस केस में टोटल ट्वेल्व इसके कैपेसिटी मतलब इसकी प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा और इन दोनों में आप चेक करोगे तो अगर आपके पास टोटल सिक्सटीन एलिमेंट्स हैं Uh, तो यहाँ से मैं इन दो आइटम्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ तो टोटल आपके पास फोटीन इसकी कैपेसिटी यहाँ से निकलेगी और इसका रिप्रेजेंटिंग क्या आपके पास टोटल तीनों आइटम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपके पास इधर आ सकता है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग टिल सेवनटीन और यहाँ पर भी आपके पास सेवेंटीन इधर निकलेगा ठीक है द सेम वे नेक्स्ट को चेक करो कि आपके पास टोटल फोर आइटम्स हैं और वेट आपके पास वन ही है तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट थ्री निकलेगा यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास फाइव ही निकलेगा यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपके पास एट ही निकलेगा इस केस में मैंने मैक्सिमम नाइन uh, को ही मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ तो यहाँ से फाइव वेट में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दो ऑप्शन थे हमारे पास एक तो प्रीवियस वैल्यू थी जहाँ पर ट्वेल्व था या फिर मैं इस टोटल इलेवन को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट इस एलेवन को ही मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है फिर आपके पास टोटल कैपेसिटी आपके पास सिक्स है और फोर आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ से ठीक है तो ऑप्शनस क्या क्या है तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि अब मैं दो आइटम्स को यहाँ से कर सकता हूँ मैं यहाँ से इस आइटम्स को और इस आइटम्स को मैं यहाँ से यूज़ करूँगा टोटल प्रॉफिट आपके पास फोटीन होगा और जो पहले हमने प्रॉफिट निकाला था वो फोर्टीन ही था तो दोनों में से मैक्सम वैल्यू है वो फोटीन ही आ रहा है तो यानी कि मैं यहाँ से फोटीन को ही कंटिन्यू करूँगा ठीक है फिर अगर आपके पास टोटल कैपेसिटी आपके पास सेवन है तो सेवन में प्रीवियस वैल्यू जो थी वो आपके पास सेवनटीन थी लेकिन अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से इस आइटम को यूज़ करूँगा और यहाँ से इसको यूज़ करूँगा तो टोटल प्रॉफिट आपके पास सिक्सटीन निकल रहा है ठीक है दैट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बेटर इसे बेटर मेरे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर सेवनटीन को ही मैं यूज़ करूँगा और अगर आपके पास टोटल एट आपके पास आ रहा है ठीक है टोटल तो यानी कि मैं इन तीन आइटम्स को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास निकलेगा दैट इज़ नाइनटीन तो यहाँ से नाइन्टीन निकलेगा ठीक है द सेम वे यहाँ पर भी आपके पास थ्री आ रहा था यहाँ पर आपके पास टोटल फाइव आ रहा था यहाँ से आपके पास प्रॉफिट एट आ रहा था ठीक है और यहाँ से जो प्रॉफिट था आपके पास दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग नाइन क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज़ ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ से आपके पास इलेवन आ रहा था क्योंकि इसके देखो इसकी वेट जो है सबसे ज़्यादा है ठीक है यहाँ पर भी आप चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आपके पास सेम वैल्यू फोर्टीन ही आएगा यहाँ पर भी आपके पास सेवनटीन आएगा और यहाँ पर भी चेक करो यहाँ पर दो ऑप्शन है या तो ये नाइनटीन है या फिर इस आइटम्स को यूज करें या ना करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास नाइनटीन ही निकलेगा तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सो आई होप यू अंडस्टैंड जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर डी इसका सही आंसर नहीं होगा आई थिंक यस यहाँ पर आपकी मैक्सिमम छुट्टी ट्वेल्थ थी आई थिंक वो मैंने यहाँ से मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ से आपके पास ट्वेल्व ही निकलेगा आई थिंक ये होगा सम मिस्टेक होगा राइट दिस माइट बी सम इशू ठीक है तो यहाँ पर आपके पास ट्वेल्व ही यहाँ से निकलेगा बिकॉज दट इज़ अ मैक्सीम प्रॉफिट ठीक है is profit, तो दिस इज दिस माइट बी अ प्रॉब्लम तो बाकी अव थिंक एवरी थिंग इज़ फाइन बाकी सब ठीक है यहाँ से बस इसके अंदर एक मिस्टेक uh, हो सकती है यहाँ से ठीक है क्योंकि यहाँ से जो मैक्मम पहले ट्वेल्थ थी ना तो वो इधर मिस्टेक रही होगी यहाँ से ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं सो अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग जीरो वन नाप्स तो अगर आपके पास जीरो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से क्या आ रहा है मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर क्या है द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर जीरो वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इन टू डब्ल्यू ठीक है गुड

ठीक है जिन लोगों ने अब तक यूज नहीं किया है तो यू कैन दिस अ बुक और ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी इस सब्जेक्ट uh, के लिए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इज कॉल्ड अ मास्टर्स थ्योरम ठीक है पेज नंबर सेवनटी ठीक है दिस इज योर द कॉन्सेप्ट राइट इस क्वेश्चन uh, right? को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ मास्टर्स थ्योरम से बहुत सेकेंडली बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे रिलेशनशिप यहाँ पर गिवन है आपके पास वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ के वेल एज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी ठीक है बस इन वैल्यू को चेक करना है और देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ से मैच करेगी ठीक है जस्ट हैव टू मूच जैसे यहाँ पर चेक करोगे यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एट गिवन है और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो आपके पास टू है ठीक है और यहाँ से आप चेक करूँगी Q और N N की जो वैल्यू है दैट इज़ K की वैल्यू हो गई वन और P की वैल्यू हो गई जीरो ठीक है अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि P की वैल्यू हो गई आपके पास जीरो K की वैल्यू हो गई यहाँ पर वन और B की वैल्यू हो गई आपके पास टू और A की वैल्यू हो गई आपके पास एट ठीक है बस इन सभी केसेस को आपको चेक करना है कौन सा फेज मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ से निकल रही है जैसे पहले आप चेक करना है क्या ए इज़ बिगर देन बी रिस्ट पावर के क्या वो वैल्यू यहाँ पर है तो यानी कि ए की वैल्यू थी आपके पास एट और बी की जो वैल्यू है के uh, की वैल्यू जो है आपके पास वो वन है ठीक है और येस दिस कंडीशन इज़ ट्रू ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो बस हमें बस इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन रिस्ट पावर लॉग एट ए ए की वैल्यू होगी गई एट और बेस हो गया आपके पास टू यानी कि uh, हम इसको थ्री Uh, यानी कि एन और हम इसको थ्री लॉग टू बेस टू यहाँ पर बोल सकते हैं यानी कि एन क्यूब के आसपास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी यहाँ से हो सकती है तो डायरेक्टली बस इस वैल्यू को यहाँ से पुट करना है अगर स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो ये वैल्यू है आपके पास दैट इज़ एन लॉग एट बेस टू यानी कि हम इसको एन थ्री लॉग टू बेस टू हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू एन क्यूब तो so, n cube इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलेगी वी जस्ट हैव टू यूज दिस एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम को यूज करना है बहुत इजीली क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर आपको सिर्फ मास्टर थ्योरम को ही आप यूज करो दैट्स एनफ ओके चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली अगर आपके पास दो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं जहाँ पर एक का साइज एम है दूसरा एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आस्किंग द द नंबर ऑफ इन वर्स्ट केस बाय मर्ज मर्ज बाय सॉर्ट विल बी तो ये आपको यहाँ से बताना है कि आपके पास कितने कंपेरिजन्स हमें यहाँ से करने पड़ते हैं ए भी सही आंसर नहीं है सी भी गलत आंसर सही नहीं है द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर है तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली किसी का आंसर यहाँ पर सही नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज्यूम करो कि आपके पास दो अरे हैं पहला अरे को मैं एज ए एम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा कराऊँ कुछ एलिमेंट है यहाँ पर मे बी यू हैव वन वी हैव मे बी थ्री वी हैव फाइव मे बी सिक्स वी हैव सेवन मे बी एट तो ये एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ से राइट इंडेक्स लोकेशन जीरो फोर एज वेल एज फाइव यानी कि टोटल आपके पास सिक्स एलिमेंट्स थे टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं फिर हमने एक और अरे को मैंने यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है मे बी वी हैव टू वी हैव थ्री वी हैव फोर वी हैव फाइव बेबी वी हैव सिक्स तो इंडेक्स लोकेशन हो गई जीरो वन टू थ्री फोर और इस एलिमेंट को मैं एज ए एन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर फाइव एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है अब मुझे मर्ज करना है तो मर्ज कर लेते हैं यहाँ से और अगर मुझे मर्ज करना है तो टोटल आपका साइज कितना होगा यानी कि पहले आपके पास सिक्स एलिमेंट थे यहाँ पर आपके पास फाइव एलिमेंट्स थे तो इन दोनों केस में वी नीड 11 एलिमेंट्स टोटल totally आपके पास 11 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर होंगे तो यहाँ से बना देता हूँ तो ये है ज़ीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स सेवन एट नाइन और टेन टोटल आपके पास इलेवन एलिमेंट जो है वो यहाँ से इधर आ गए हैं ठीक है ठीके? अब कंपेरिजन देखो कंपेरिजन कैसे होगा तो एक पॉइंटर लूंगा मैं यहाँ पर आई की तरफ एक पॉइंटर लूंगा यहाँ पर जे की तरफ अब हमें देखना है कितने कंपेरिजन चाहिए होंगे हैं हाउ मेनी कंपेरिजन तो पहले चेक करो हम वन और टू इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और यू अंडरस्टैंड कि वन छोटा है तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूंगा और फिर हम यहाँ से आगे पहुंचेंगे ठीक है और ये एक कंपैरिजन हो गया राइट मैं कंपैरिजन को काउंट कर रहा हूँ ये आपका पहला कंपैरिजन जो है कंपैरिजन यहाँ पर हो गया ठीक है फिर हम थ्री और टू को कंपेयर करोगे और आपको पता चलेगा कि टू जो है वो छोटी वैल्यू है तो मैं टू को यहाँ पर डल दिया और मैं जे जो है वो यहाँ पर जा रहा है तो यानी कि दो कंपेरिजन यहाँ पर हो गए फिर दोबारा से मैं थ्री और थ्री को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से आपके पास ये वाला थ्री जो है वो यहाँ पर सेम है तो मैंने इस गर एलिमेंट को यहाँ पर डाल दिया और मैंने आई को यहाँ पर रख दिया है तो टोटल आपके पास तीन कंपैरिजन हो गए ठीक है फिर हम फाइव और थ्री को कंपेयर करेंगे जो थ्री छोटी वैल्यू है तो थ्री को मैंने यहाँ पर रखा और जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है तो एक और फोर्थ कंपेरिज़न यहाँ पर हो गए ठीक है फिर चेक करो आपके पास फोर और फाइव इन दोनों में से फोर जो है वो छोटी वैल्यू है तो मैंने फोर को यहाँ पर लिखा और जे यहाँ पर आ गया तो हमने एक और कंपैरिजन यहाँ से कर दिया है

फिर दोबारा से सेवन और सेवन को कंपेयर करेंगे तो हम सेवन को यहाँ पर रखा और आई की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज कर दिया एक और कंपेरिजन यहाँ पर हो गया फिर एट और सेवन इन दोनों को कंपेयर करोगे सेवन जो है छोटी वैल्यू थी तो मैंने सेवन को यहाँ पर रखा और अब जो है वो यहाँ से आगे बढ़ चुका है अब जब सारे एलिमेंट यहाँ पर जा चुके हैं अब मुझे कंपेरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो एलिमेंट था इसके अंदर टोटल एन एलिमेंट थे और ये एलिमेंट छोटा था और इसके अंदर टोटल ज़्यादा एलिमेंट थे तो इनके जो लास्ट एलिमेंट जो बचे हुए हैं जितने भी बचा हुआ है यहाँ से इस केस में मुझे डायरेक्टली बस इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करना है तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल टोटल यहाँ पर सिक्स थे यहाँ पर फाइव थे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है और मे बी वी हैव टेन तो टोटल टेन एक लास्ट एलिमेंट को मैंने छोड़ा था ना तो टोटल आपके पास टेन कंपेरिजन थे जो एलेवंथ एलिमेंट था हम डायरेक्टली उसको रख सकते हैं हम डायरेक्टली एलेवंथ एलिमेंट को हम इस लोकेशन पर डाल दो ठीक है किंतु तो मतलब अगर समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास टोटल एन एम एलिमेंट्स हैं और दूसरे तरीके से आपके पास एन एलिमेंट है ठीक है इसमें से कोई भी एलिमेंट बड़ा हो सकता है इफ़ आई कैन से द नंबर ऑफ़ एम जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन तो उस केस में क्या होगा हमें टोटल एम कम्पेरिज़न चाहिए होंगे उसके साथ साथ हमें एन कम्पेरिजन इन दोनों के बीच में होगा और जो बची हुई स्पेस से थी जो बचे हुए एलिमेंट थे वो हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ देम इज़ अवेलेबल ठीक है जो बचे हुए एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा बचे एलिमेंट थे वो हमें यहाँ से करेंगे लेकिन वो बचे हुए एलिमेंट कितने होंगे वो होंगे यहाँ पर एम माइनस एन इनको कोई कम्पेरिजन्स की जरूरत ही नहीं है वी डोंट नीड एनी एन कम्पेरिजन इतने कम्पेरिजन्स करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है और अगर हम बोलूँगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एन तो उसके इसमें आपके पास एन कंपेरिजन्स uh, थे ठीक है मतलब इन दोनों को जो बचे पहले एलिमेंट है हम लोग इस एलिमेंट को यहां पर यूज कर लो ठीक है इसको कैलकुलेशन को थोड़ा कुछ इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि शायद कंपैरिजन आपको समझ में आए ठीक है तो टोटल अगर आप चेक करेंगे ना यहां पर वर्स्ट केस में क्या होगा ठीक है वर्स्ट केस हम इसका बेस्ट केस भी हम लोग ले सकते हैं और हम लोग यहां से वर्स्ट केस को भी हम लोग लो यहाँ से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में वर्स्ट केस बोला है टॉक द वर्स्ट केस अगर बेस्ट केस होगा तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको एक ही एलिमेंट अवेलेबल है बट अगर वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस कब हो सकता है कि जिम इन दोनों की वैल्यू बहुत सिमिलर है देयर वैल्यूज इज सेम ठीक है सिमिलर वैल्यू है यानी कि दे आर वेरी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर यानी कि जहाँ पर एम और एन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है ठीक है और तब उन दोनों की वैल्यू अलग, अलग अलग आएगी कंपेरिजन होगा तभी आपके पास वर्स्ट केस हो सकता है और वर्स्ट केस का मतलब है कि मैंने सारे एम और एन एलिमेंट को वहाँ पर यूज़ कर दिया और जो बचा हुआ लास्ट एलिमेंट जो भी बचा होगा उसको कंपेरिजन करने की हमें जरूरत ही नहीं है ठीक है इस केस में भी आप चेक करोगे अगर आपके पास एन और एम दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर सिमिलर है तभी आपका वर्स्ट केस होगा अदरवाइज बेस्ट केस तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो ठीक है तो कंपेरिजन हमें वर्स्ट केस के बारे में पूछा गया है ठीक है तो इसी वजह से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर होगा ठीक है अगर मान लो वर्स्ट केस नहीं होता अगर वर्स्ट केस नहीं होता ये सम एवरेज केस होता है हमारे पास लेट अस सपोज कुछ एवरेज केस है तो क्या होगा कि एक एलिमेंट होगा एम दूसरा आपके पास होगा एन और कुछ सम हाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा पहला यूज हो रहा है तो वर्स्ट केस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस केस में या तो हम यहाँ से बेस्ट निकालेंगे और जो हमारे पास वर्स्ट केस है उन दोनों को निकालेंगे इन दोनों की जो एवरेज ले लेंगे वो आपके पास एवरेज केस आएगा अब बेस्ट केस क्या होगा अगर कुछ एलिमेंट कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक एलिमेंट है जहाँ पर आपके पास सम एलिमेंट एम एलिमेंट अरे अवेलेबल और दूसरा जो अरे है उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं वी डोंट हैव एनी वैल्यू और अगर है भी तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी है जैसे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू वन है और यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एलिमेंट है तो क्या होगा कि जब आपका बेस्ट केस है तो हमने डायरेक्टली इस एलिमेंट को यहाँ से पुट कर दिया और बाकी सभी एलिमेंट को बस डायरेक्टली कॉपी ही करना है तो आपका बेस्ट केस हो गया ठीक है

विज यू द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विकॉट विजो द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर क्या रहता है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी बी आपका सही आंसर है ठीक है फाइन चलो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थम कैन बी यूज टू सॉर्ट दीज एलिमेंट इन लीनियर टाइम आपके पास कौन सी एल्कॉर्थम आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए इन लीनियर टाइम यस द करेक्ट आंसर इज रेड एक सॉर्ट क्योंकि रेडिक्स सॉर्ट में हमें पहले से पता है कि आपके पास एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक है जनरली जो रेडिक्स सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें दो चीज़ें होती है आपके पास जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोटल रेडिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और कितना जैसे एन को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंदर आपका रेडिक्स कितना है ठीक है और रेडिक्स के अलावा भी एक और वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकालते हैं बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो रेडिक्स uh, है सबसे बड़ी डिजिट है कितने डिजिट्स होंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जो है वो एक कॉन्सटेंट वैल्यू है जनरली कई जगह पर इस फॉर्मूला आपने देखा होगा एंड इज इकल टू डे प्लस डी प्लस के ऐसा कुछ फॉर्मूला कई जगह पर आपने देखा होगा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से बट एज ऑ नाउस को छोड़ दो क्योंकि हमें क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई गिवन है तो हमें यानी कि के वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो दैट विल बी ईजियर ठीक है वो ईजी आपके पास होगा और अगर आप कई बार रेडिक शॉर्ट की अगर आपको डाउट नहीं क्लासेस आपने नहीं देखी है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ से समझ में आई होगी ठीक है वट इज द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन आपके पास ये रेक्रेंस रिलेशन है आपका रिलेशन आपको यहाँ से बताना है ओके सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर हियर और आई थिंक uh, जो इसका सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बी शायद इसका सही आंसर होगा इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से मे बी बी और सी दो, है। दो हैं यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम को यूज़ करो और मास्टर्स थ्योरम से आप करेंगे यस सी आई थिंक सी विल बी द करेक्ट आंसर तो दो मेथड है आप सबसे ट्यूशन से यूज़ करें या फिर मास्टर्स फॉरम कुछ भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूशन से समझाता हूँ यहाँ से तो यानी कि ये आपके पास टी एन है तो रिलेशन यहाँ पर गिवन है एन बाई टू प्लस एन और उसकी बेस कंडीशन है एज्यूम करते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ़ एन इज़ इक्वल टू वन तो हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ से देगा तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज टी ऑफ एन बाय टू बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस एन ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी दैट इज इक्वल टू सेइंग टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस एन होगा उसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज टी ऑफ एन बाई थ्री टू रेस्ट पावर थ्री प्लस एन बाई टू स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस एन यहाँ पर कुछ आपके पास आएगा यस आई थिंक बी इसका सही आंसर है सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर जो सी दिया है सी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर यहाँ से देख के मैं पता चल गया तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कुछ रिलेशनशिप आपके पास आएगा टी ऑफ एन बाई टू रेस्ट पावर के प्लस एन बाय टू रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस एन बाय टू रिज पावर के माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन फिर बी एन ऐसा कुछ होगा ठीक है तो कंडीशन कब रुकेगी इफ द टू रेज पावर के इज इक्वल टू एन देर फोर वी कैन से अगर मैं लोगात्मिक लूँगा यानी कि मैं लॉग टू टू रिज पावर के इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू को मैं तो यहाँ से लूँगा तो यहाँ से के वैल्यू होगी यहाँ पर दैट इज लॉग एन तो के की वैल्यू यहाँ पर लॉग इन होगी तो यानी कि उस केस में ये रिलेशनशिप आपके पास होगा टी बाय बाई एन ये वाली निकलेगी एन बाई सो दिस वैल्यू एन बाय टू नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है शॉर्ट नोट अ प्रॉब्लम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से बाय ठीक है तो यहाँ से आपके पास एन बाय टू यहाँ से आपके पास आएगा ये बाब एन बाय ये जो वैल्यू है ना आपके पास ध्यान देना यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर एन बाई टू रेज पावर के माइनस वन था तो इसका मतलब है कि हम टू रेज पावर के को ही अगर मैं यहाँ से एन माइनस वन बोलूँगा सो दैट वीज एन बाय एन माइनस वन कुछ वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, है ना इसको आई थिंक आई शुड स्टेटमेंट तो ये जो वैल्यू थी आपके पास मैं टू रेस्ट पावर के को मैं एन बोल सकता हूँ तो इसका मतलब हो गया दैट इज़ एन बाय टू रेस्ट पावर के बाय एन ऐसा कुछ होगा शायद यहाँ से ठीक है एंड अगेन इसकी वैल्यू हमारे पास की है ठीक है तो इसको हम बाय टू टू ही हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो यानी कि कुछ ऐसा होगा एन बाय टू दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी एन डिवाइड बाई टू ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि कुछ वैल्यू आप यहाँ से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं यहाँ से ठीक है जो शायद आई थिंक दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वन बाई टू समिंग ठीक है तो ये शायद वन बाय टू इधर कुछ हो सकता है यहाँ से एन वेज आई थिंक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ से और uh, मैं थोड़ा क्लियरली और समझाता हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि कुछ क्लियरली मैं समझाया नहीं है तो फिर से समझाता हूँ यहाँ से तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा था टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाय टू प्लस एन तो नेक्स्ट रिलेशनशिप यहाँ से होगा दैट इज टी ऑफ एन बाय टू बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस एन यहाँ से आपके पास आएगा सो दैट मीन्स टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस एन नेक्स्ट टाइम इसकी वाली होगी दैट इज टी ऑफ एन बाय टू रेस्ट पावर थ्री प्लस एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस एन और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो होगा श्रेप ऑफ़ एन बाई टू रेस्ट पावर के प्लस एन बाय टू रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस एन बाय टू रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो n एन आएगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा कि इन सभी में से मैं एन को कॉमन ले लूँगा ठीक है एन की वैल्यू कॉमन कॉमन ले लूँगा अगर मैं एज्यूम करता हूँ इफ़ टू पावर के इज इक्वल टू एन ठीक है तो एट दैट केस द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू लॉग एन ठीक है लॉग एन होगा तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ टी ऑफ एन बाय एन यहाँ पर होगा और ये जितनी वैल्यूज़ हैं वहाँ से मैं एन कॉमन ले लूँ तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर निकल जाएगी वो कुछ ऐसा ना टू पावर के माइनस वन था फिर ऐसे ही आगे जो वैल्यूज थी हमारे पास वो एन बाय टू पावर दैट इज़ वन बाय के माइनस टू होगा प्लस अप टू सो ऑन वन ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यानी कि अगर इस वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे ठीक है बिकॉज आपके पास इस वैल्यू को देखा था ना जैसे अगर टू एस पावर के माइनस वन है सो दैट इज़ इक्वल टू टू रेज पावर के बाई टू ऐसा इसकी वैल्यू यहाँ से आती है और जो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इधर टू आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से यू कैन फाइंड टू और, और यानी कि पूरी वैल्यू जो है मैं यहाँ से कुछ एन की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है इस तरीके से ठीक है एंड सो ऑन ठीक है इस तरीके से भी आप यहाँ सॉल्व करते हो इट्स द फर्स्ट वे ठीक है पहला तरीका है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और दूसरा चाहे यू कैन रिप्लाई फ्रॉम मास्टर्स थर्म ठीक है मास्टर्स थर्म से ट्राई करेंगे आई थिंक जो इसका आंसर होगा दैट इज़ एन एन ही यहाँ से निकलेगा तो इन टोटल में से क्योंकि जो जो वैल्यूज़ होगी ना वो छोटी होती चली जाएगी राइट दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ठीक है यानी कि जैसे आपके पास वन बाय टू वैल्यू है नेक्स्ट वन बाय वन बाय टू स्क्वायर होगा फिर आपके पास वन बाय थ्री क्यूब होगा इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी और ये जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू होगी सो दैट इज़ बाई द करेक्ट आंसर शुड बी बिग ऑफ एन तो यहाँ से बी ही इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर है फाइन तो यू कैन फाइंड बी इज़ द करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है इस पूरे केस के अंदर भी अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर होचा पूछा क्या गया है ठीक है इसको स्टेटमेंट को ही समझने की कोशिश करोगे तो आपको शायद समझ में आएगा यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ना जो भी टर्म यहां पर अवेलेबल है एक तो आपके पास एन की वैल्यू है और इस वैल्यू को टू रेस पावर के बाय टू मैं यहां से बोल सकता हूं ठीक है उस तरीके से और फिर मैं इन दोनों की वैल्यू को ही मैं यहाँ से पुट करूंगा कि इसकी वैल्यू है क्या ठीक है तो एवरी टाइम जब भी आपकी ये स्टेटमेंट अवेलेबल है तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू ना बहुत छोटी होती चले जाएगी एवरी टाइम इस समय से जो पहली टर्म है इन सबको तो आप कॉमन ले लो जैसे मैंने एंड को कॉमन ले लिया तो आपके पास इस तरीके से आपके पास आ रहा है वन बाय टू रे पावर के माइनस वन फिर यहाँ से वन बाय टू रे पावर के माइनस टू प्लस इस तरीके से यहाँ पर आएगा और एवरी टाइम जब आप इनको चेक करोगे ना तो इनकी वैल्यू छोटी हो, होती चले जाएगी ठीक है जैसे आपके पास वन बाय टू होगा ऐसे ही आप यहाँ से वन बाय टू स्क्वायर होगा इस तरीके से आपके पास निकलेगा और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी

So, all the last seven year questions we have already covered. We are, we are covering all of these questions in this series. And if you like the session, please subscribe to the channel and share with your friends. And at the same time, please install our Android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers that is 9821876104. This series is very important for the students who are preparing for NIC millet scientist B as well as Scientist A. We are covering all the previous questions. From 2016 to 2022. So all the last seven year questions we have already covered. We are, we are covering all of these questions in this series. And if you like the session, please subscribe to the channel and share with your friends. And at the same time, please install our Android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers that is Now let's start. यहाँ से आगे बढ़ते हैं कल हमने कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तो उससे हम थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ेंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो जैसे बताया था कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा से हर एक एन आई एन के सारे क्वेश्चन है ना वो सीरीज में सारा मैं कवर कर रहा हूँ चलो मिश्र द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या है यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है गुड आई थिंक दिस इज समथिंग हमने कल की क्लास में कवर दिया था दिस वन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे ठीक है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी कल बताया भी था इफ़ यू चेक द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर बी और मैंने इस बार इस क्वेश्चन में क्या किया है कि मैंने इसका एक रेक्रेंस रिलेशन है वो भी मैंने यहाँ से दे दिया है ताकि जिन लोगों ने नहीं किया तो ओबली अभी यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से तो ये कंडीशन है हमारे पास ठीक है तो अगर इससे कंपैरिजन अगर आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर वन हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वो आपके पास टू है और यहाँ पर k की वैल्यू वन है और p की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो है तो आप कंडीशन को चेक करो पहला कंडीशन क्या है आपके पास इफ़ एज़ ग्रेटर देन बी रेस्ट पावर के तो क्या मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास वन और बी की वैल्यू है आपके पास टू और के की वैल्यू वन है तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स है यानी कि पहले केस पे काम नहीं करता अब सेकंड केस में आप चेक करो क्या इसमें मैच कर रहा है नहीं करता तो यानी कि क्या ये थर्ड केस है क्या यहाँ पर काम करेगा बिल्कुल ही यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो है आपके पास जीरो है तो यानी कि इस केस से हम लोग चेक करेंगे यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास होगी एन रेस्ट पावर के के की, की वैल्यू आपके पास वन है लॉग ज़ीरो एन तो यानी कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर निकलेगी दैट इज़ के की वैल्यू आपके पास है दैट इज़ वन देर फोर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ एन तो so, सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आई थिंक कल की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था ठीक है तो चलो इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम टी एन वेयर एन इज द इनपुट साइज गिवन बाय तो हमारे पास इस रिलेशनशिप का इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमें यहाँ से बतानी है सो इफ यू चेक तो सी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है तो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम मास्टर्स थ्योरम से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए भी एक मास्टर्स थ्योरम अवेलेबल है और उस रिलेशनशिप को मैं एक बार पहले आपको दिखाता हूँ ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे और उसके अलावा भी मैं सब्सक्रिप्शन से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा तो जनरली अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक बुक है हमारे पास दैट इज सिमा कारू मांची आई टोल्ड यू दिस बुक तो इस बुक में आप जाएंगे ना तो ये जो दिखा रहा है वो जनरली रिलेशनशिप है हमारे पास बट ये रिलेशनशिप तब है जब आपके पास वो इस फॉर्म में है ये वाली फॉर्म में है अगर रिलेशनशिप इस फॉर्म में नहीं है तब भी इसके लिए हमारे पास एक मास्टर्स फॉर्म जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और लेट मी सी अगर वो स्क्रीन पे अवेलेबल है तो वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ठीक है तो देस वन मोर मास्टर्स थियॉरम तो समथिंग लाइक दिस ठीक है दिस इज कॉल्ड अब्ट्रैक्शन एंड कंकरेंस रिलेशनशिप ठीक है अगर आपके पास कोई इस फॉर्मेट में है ठीक है इफ़ यू हैव दिस रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप जो है इस फॉर्म में है तब भी आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप यहाँ से निकाल सकते ठीक है और इस वर्जन्स में बस हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है क्या ये इस कंडीशन में मैच कर रहा है यानी कि कुछ ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ ऑफ एन इस रिलेशनशिप पे आपको दिखाता है अगर सेम चीज़ को ही अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन से कंपेयर करो ठीक है सेम सेम थिंग चेक इन दिस वन तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है इधर देखोगे पर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास वन है और बी की वैल्यू जो है वो भी आपके पास वन है और एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वन बाई एन है तो ये रिलेशनशिप हमारा पहले से ही गिवन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस एल्गोरिथम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि वो इस फेम इस फॉर्म में है और यहाँ पर बताया था कि ए की वैल्यू वन थी बी की वैल्यू भी यहाँ पर वन थी और एफ ऑफ एन की वैल्यू वन बाई एन थी ठीक है तो अब इस कंडीशन को चेक करो क्या ए ग्रेटर देन जीरो है बिल्कुल है क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है बिल्कुल सही है क्या यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आई थिंक यहाँ पर K के बारे में यहाँ पर कुछ मैंशन नहीं है ठीक है तो देन यू कैन से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समथिंग लाइक दिस और यहाँ पर के की वैल्यू जो है यहाँ पर कहीं पर इस फंक्शन में रिलेशनशिप है नहीं है ठीक है बट स्टिल आप फिर इन केसेस को चेक करेंगे ये कौन कौन सा केसेस हैं ठीक है जैसे यहाँ पर के की वैल्यू होगी इस केस में दैट विल बी जीरो ठीक है तो ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ से निकलेगा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ठीक है एक तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और जो दूसरा तरीका है वो है आपके पास दैट इज योर मास्टर्स थ्योरम अब विदाउट मास्टर्स थ्योरम आई एम सॉरी विदाउट मास्टर्स थ्योरम ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे टूँ तो लेट अस सपोज रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि वी हैव टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस है ठीक है तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है यानी कुछ ऐसा बोल सकता हूँ टी ऑफ एन इज इक्वल टू जहाँ पर भी आपके पास एन था उसकी जगह पर एन माइनस वन रखो तो कुछ ऐसा हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन माइनस वन प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन दैट इज आल्सो इक्विंग टू सेन माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन ऐसे ही जो नेक्स्ट रेस्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन बाय एन माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन ऐसे ही अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा रहेगा t ऑफ n माइनस इज इक्वल टू वन बाय एन माइनस के प्लस वन फिर प्लस वन बाय एन माइनस के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन टेल एन तो ऐसा एक रेफरेंसेशन जो है वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ठीक है अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे इफ वी कैन से द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू एन अगर के की वैल्यू यहाँ पर एन है तब इन सब की वैल्यूज कितनी हो जाएगी सो दैट इज टी ऑफ एन माइनस एन ठीक है और ये कंडीशन जो है यहाँ से आ रही है तो इनके हम एग्जैक्टली सेम वैल्यू को तो नहीं कर सकते यानी कि इसको माइनस वन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं अगर इसको एन माइनस वन लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस एन प्लस वन प्लस दैट इज ये प्लस था ठीक है सो यानी कि वन माइनस के दैट इज एन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस एन प्लस टू प्लस वन ठीक है इस तरीके से यहाँ से चलेगा और आगे देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट इज टी ऑफ वन सो दैट इज वन बाय टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस अप टू सो वन ये जो रिलेशनशिप है यहाँ से निकलेगा तो यानी कि सबसे जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को देखो कि ये रिलेशनशिप ये सीरीज जो है कौन सी सीरीज़ चल रही है वट इज़ विच काइंड ऑफ सीरीज़ ये कौन सी सीरीज़ जो है वो यहाँ से दिखा रही है तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि टी ऑफ एन विल बीवल टू वन प्लस अप टू सो वन वन बाई एन माइनस वन प्लस जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई है और अगर इस सीरीज को देखने की कर कोशिश करेंगे जो फॉर्मूला होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू लोगार्थमिक ऑफ़ एन इसकी वैल्यू लोगार्थमिक ऑफ एन आप इस वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं अब जनरली कई सारे ऐसे कोर्स होते हैं जहाँ पर हमारे सब्सिट्यूशन के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर जो सीरीज़ के फॉमूलाज है वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए अगर ये सीरीज़ आपको नहीं पता है तब यू कैन ट्राई सम टाइम कुछ टाइम ले सकते हो ताकि इसको थोड़ा सा रिवाइज कर पाए थोड़ा सा समझ पाएँ अब जैसे सेम चीज़ सी मैं स्क्रीन पे भी आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ठीक है तो सम बेसिक फॉमूलाज दैट यू शुड नो जो आपके पास इस पूरी सीरीज़ के लिए मतलब इन एग्ज़ाम्स के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई ठीक है तो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल लोगाथी के फॉर्मूलाज आपके पास क्या है अगर नहीं पता है तो यू कैन यूज़ इट ठीक है तो जैसे अगर आपके पास पहला आपके पास लॉग ऑफ एक्स रेस्ट पावर वाई है तो हमको वाई लॉग एक्स को बोल सकते हैं ऐसे ही अगर आपके पास लॉग एन की वैल्यू लॉग टेन एन बाय बेस टेन हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं या फिर लॉग एक्स इंटू वाई हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बोल सकते हैं ठीक है ऐसे ही अगर आपके पास ए के पावर जो है दैट इज लॉग एक्स बेस बी यहाँ पर है तो हम इसको एक्स लॉग ए भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं तो बेसिकली दीजा समुथ जो लोगैथमिक फॉर्मूलाज है ये आपको पता होना चाहिए उसी तरीके से थोड़ा सा आप जाएंगे यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज भी है ठीक है जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये वैल्यू आपके पास आएगी उसी तरीके से जियोमेट्रिक सीरीज आपके पास होनी चाहिए ठीक है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए दूसरा आपको हारमोनिक सीरीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए जैसे अभी इस क्वेश्चन को जो अभी मैं तो आपको समझा रहा था वो तो आपके हारमोनिक सीरीज़ थी ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास हुआ था वो हारमोनिक सीरीज़ थी यानी कि आपके पास कुछ ऐसा है वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस अप टू सो वन वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ हारमोनिक सीरीज़ और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आपके पास लॉग इन आती है ठीक है तो ये सीरीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए ताकि इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए उसके अलावा कुछ और अदर फॉर्मूलाज भी हैं ठीक है तो यस आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी जो वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाउट है वो है यहाँ पर थीटा ये है ओमेगा और तीसरा है बिग ओ तो क्वेश्चन में ना कई जगह की वैल्यूज यहाँ पर सेम है जैसे पहला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे तो यहाँ से एक है आपके पास बिग ओ और यहाँ पर बिग ओमेगा इन दोनों में देखना है कि ओमेगा जो है वो लोअर बाउंड है और ये हायर बाउंड है और थीटा जो है वो एवरेज है और पिग जो है वो बिगर बाउंड है तो अगर इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से तो मैं अगेन इस मास्टर साउंड को मैं यहाँ से यूज़ करूँगा तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ए की वैल्यू होगी आपके पास टू बी की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर टू है और के की वैल्यू होगी यहाँ से वन और p की वैल्यू जो है दैट विल बी जीरो ठीक है ये वैल्यू जो है वो आपके पास इधर आ गई है तो यानी कि अगर आप स्टेशन को देखने की कोशिश करेंगे पहला केस क्या है a की वैल्यू जो है वो आपके पास टू होगी और b रेस पावर k की वैल्यू होगी दैट इज़ टू रेस पावर वन यानी कि टू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यानी कि ये वाला केस तो यहाँ पर होगा नहीं तो यानी कि सेकेंड केस आपके पास आएगा दैट इज़ एज इक्वल टू बी रेस्ट पावर के और फिर उसने बताया है कि p की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ज़ीरो ठीक है तो यानी कि ये फर्स्ट वाला केस जो है वो यहाँ से मैच कर रहा है सो दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज एन लॉग ए बेस बी दैट इज लॉग पी प्लस वन एन ये इसको रिप्रेजेंट कर सबकी वैल्यू को पुट करो यानी कि एन लॉग ए की वैल्यू कितनी हो गई टू बी की वैल्यू बेस टू फिर लॉगरिथमिक पी की वैल्यू है आपके पास ज़ीरो प्लस वन इन टू एन यानी कि आपके पास एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलती है और जो यहाँ पर थीटा केस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। अब पहले केस में समझो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा था फॉलोइंग इज फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर फॉल्स है तो पहला जो है वो आपके पास अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों कंपेयर करो जब भी मेरे पास एन लॉग एन है और दूसरा एन स्क्वायर है दोनों में से ब, 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 बड़ा बाउंड कौन सा है वो आपके पास एन स्क्वायर है सो एन स्क्वायर इज बिगर वैल्यू तो यानी कि ये वैलिड है ये ट्रू है यहाँ पर वैलिड रहेगा ठीक है दूसरा b इज इक्वल टू थीटा ऑफ n log n, ये भी यहाँ पर ट्रू है ठीक है क्योंकि वो थीटा केस है तो वो भी यहाँ से काम करेगा ठीक है फिर उसी तरीके से आ, देखो फिर जो है आपके पास वो ओमेगा को दिखा रहा है और ओमेगा जो है ये यहां से फॉल्स है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये फॉल्स है क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है ना वो आपके पास एन लॉग इन ही है तो ये वाला आपके पास फॉल्स रहेगा और जो डी है वो यहाँ पर ट्रू रहेगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया था आस्किंग वट इज फॉल्स ठीक है ठीक है सो सी जो है वो इसका सही आंसर होगा ठीक है ए बी और डी तीनों सही है सी इज़ रॉन्ग ओके चलो आई होप यू अंडरस्टैंड समझ आया होगा आपको आगे बढ़ते हैं फॉर द गिवन रेकरेंस रिलेशन ये आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर गिवन है ठीक है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ से बतानी है प्लीज ट्राई एंड गिव द आंसर हेयर ओके यस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली यहाँ पर वो टी ऑफ एन था जो इस स्टेटमेंट में कहीं पर कुछ मिस्टेक थी यहाँ पर बाय द वे तो अगेन आप इसको मास्टर्स फॉर्म से यूज़ कर सकते हो चलो तो आप सब्सिट्यूशन से भी हो सकता है आप सब्स से समझाता हूँ क्योंकि सबसे ईजी मिले कई बार रहता है कि हम चीज़ें याद नहीं करना पड़ता तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन ठीक है तो ये यह यहाँ पर है इधर ओके तो यानी कि अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को निकालेंगे तो टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू 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 टी एन माइनस वन माइनस वन ये वाली यहाँ पर आएगी दैट इज इक्वल टू साइन टू स्क्वायर टी एन माइनस टू ये इसकी वाली यहाँ से निकलेगी फिर नेक्स्ट टी ओ फल टू दैट इज स्क् माइनस थ्री यानी कि टू रेस्ट पावर थ्री टी एन माइनस थ्री को रिप्रेजेंट करा है यानी कि थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो टी ओ फल टू टू रेस्ट पावर के टी एन माइनस के को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक so, uh, तो है फाइन। तो यानी कि इफ वी कैन से, इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू एन माइनस वन अगर के की वैल्यू माइनस वन होगी तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर टू रेज पावर एन माइनस वन टी ऑफ एन माइनस एन प्लस वन तो यानी कि टू रेस्ट पावर एन माइनस वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टी ऑफ वन ठीक है वो इस वैल्यू को यहाँ से इधर रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो यानी कि एक तरीके से आ, ये जो वैल्यू हो गई दैट इज़ इक्वल टू टू रेस पावर एन माइनस वन और इसको मैं कुछ ऐसे ही बोल सकता हूँ टू रेस पावर एन बाई टू और ये जो टू है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ टू रेस पावर एन यहाँ पर बोलेंगे या फिर थीटा ऑफ टू रेस पावर एन भी यहाँ पर सेम हो सकती है तो दैट इज़ वाई सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ से बतानी है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है तो समझ लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते है? तो हैं तो रिकर्जन है ठीक है पहला जो है वो यहाँ पर कंप्यूट फंक्शन को दिया है और यहाँ पर एक कंप्यूट फंक्शन है तो यानी कि ये रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि मैं इसको टी की तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है राइट इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए इसको सिर्फ कॉन्सटेंट टाइम ही हासिल लगेगा अदरवाइज ये जो वैल्यू है हमारे पास वो होगा टी ऑफ टेन विल टेकन फॉर दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एन तो अंडर रूट ऑफ एन रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास निकलेगा और जहाँ पर भी कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट को मैं यहाँ से पिक ऑफ वन भी बोल सकता हूँ तो आई कैन सेट एज ए प्लस वन ठीक है कॉन्सेंट की जगह पर मैं प्लस वन मैंने यहाँ से दे दिया तो एक रेकरेंस रिलेशन आपको यहाँ से पता होना चाहिए तो अगर थोड़ा क्लियरली समझेंगे तो रेकरेंस रिलेशन कुछ ऐसा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन फाइन तो यानी कि इसकी इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं टी ऑफ एन की पावर वन बाय प्लस वन ये रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास आएगा तो यानी कि अगर मैं दोबारा से इस रिकर्सिव रिलेशन को निकालेंगे अगर मैं टी ऑफ़ एन बाय वन बाय टू वैल्यू को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज़ टी ऑफ़ एन की जहाँ पर वैल्यू थी वहाँ पर वन बाय टू और उसके साथ साथ वन बाय टू ही मैं यहाँ से यूज़ करूँगा और फिर आपके पास वन यहाँ पर आपके पास आता है यानी कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर कि जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशनशिप है कुछ इधर आपके पास आएगा दैट इज़ टी ऑफ़ एन इज़ इक्वल टू टी ऑफ़ एन रेस्ट पावर वन बाय फोर ठीक है प्लस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ध्यान देना जहाँ पर भी वन बाय फोर था इसको मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ दैट इज़ वन बाय टू का स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट टाइम इसकी फिर से स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ से टी ऑफ एन की पावर वन बाय टू का जो स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्यों निकालेंगे तो अगेन सेम वैल्यू को यहाँ से यूज़ करेंगे यानी कि टी ऑफ एन वन बाय टू का स्क्वायर की पावर भी वन बाय टू है प्लस वन रिलेशनशिप जो है आपके पास आएगा तो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन वन बाय टू की पावर थ्री और प्लस थ्री ये रेफ्रेंस रिलेशन जो है वो इधर आपके पास आ रहा है अब इसी स्टेटमेंट को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा सेम स्टेटमेंट को आगे एक्सटेंड करूँगा अगर आगे इसको एक्सटेंड करूँगा तो कुछ ऐसा होगा यहाँ से टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन टी ऑफ एन के पावर वन बाय टू रेस्ट पावर के और यहाँ पर भी प्लस के इधर आपके पास ये वैल्यू इधर आपके पास आएगा ठीक है तो ये हो गया तो ये रिलेशनशिप है तो अब इसको चेक करो कि अब ऐसी क्या वैल्यू ले दिया जाए कि वो वैल्यू यहाँ से आपके पास यहाँ से हट जाए राइट कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो फॉर्मुला थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना द प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी में से याद कराता हूँ आपको ठीक है क्या कि उस क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को ही मैं यहाँ से यूज़ करूँगा ठीक है तो ये देखो मैंने एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले यहाँ से बताया भी था मैंने हाँ तो सीरीज पर ना कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे पास तो ये वाले फॉर्मूलाज थे ठीक है ये वाले फॉर्मूलाज थे और इस फॉर्मूलाज को चेक करो कंपेयर करो कि हम जो रेफ्रेंस रेशन हमारे पास कुछ ऐसा था के टी ऑफ एन की जो पावर थी वो थी वन बाय टू की पावर के प्लस के है ना ये रेक्रेंस रिलेशनशिप था हमारे पास टी ऑफ एन का ठीक है तो समहाउ मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ठीक है सम हाउ मुझे इस वैल्यू को वन बनाना है इस वैल्यू को मुझे वन बनाना है यानी कि एन की जो पावर है वन बाय टू रेस्ट पावर के सम हाउ इफ मतलब वी वॉन्ट टू मेक दिस वी वॉन्ट टू मेक एज वन हमें इसको वन बनाना है तो ऐसा क्या करे कि इसकी वैल्यू ये यहाँ से आपके पास हो जाती है ठीक है तो इसको यूज़ करने के लिए भी मैं लोकार्थमिक ले सकता हूँ यहाँ से ठीक है इफ़ आई टेक लोगार्थमिक इन बूथ द साइट्स तो अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को चेक करूँ इफ़ आई टेक लोगार्थमिक तो लोगार्थमिक ऑफ टू रेस्ट पावर वन बाई टू रेस्ट पावर के होगा तो यहाँ से वन बाई टू रिस्ट पावर के इन टू लॉग टू यहाँ से कुछ रिलेशनशिप जो है वो इधर आपके पास आ सकता है और यानि कि अगर मैं ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है सम हाउ uh, अगर मैं ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर पुट करूँगा ना तब uh, कुछ वैल्यू यहाँ से निकल सकती है ठीक है तो आई मीन टू से रिलेशन है जो कुछ फार्मूलाज है मैं बताऊँ तो कौन सा फॉर्मलाज में यहाँ से यूज़ करूँगा तो आई कैन यूज़ एक तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी की मुझे ज़रूरत होगी और मे बी मे बी आई नीड दिस प्रॉपर्टी ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी हमें चाहिए जिससे मेरा काम हो सकता है ठीक है यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप कुछ ऐसा था यहाँ पर ए इंटू लॉग एक्स बी है यहाँ पर है ना तो यानी कि कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लो अगर लोकार्थी लेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू को भी यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इधर भी आपके पास लोधार्थी किधर भी इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो यानी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ठीक है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखा दूँ रिलेशनशिप को तो यानी कि जो रिलेशनशिप हमारे पास कुछ ऐसा था दैट इज़ टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू टी ऑफ क्या हैं हमारे रिलेशन था हमारे पास दैट इज एन रेस्ट पावर वन बाय टू रेस्ट पावर के प्लस के ठीक है ये रिलेशनशिप था तो हमें यहाँ से क्या करना था हमें के की वैल्यू को यहाँ से निकालना था तो यानी कि सम हाउ अगर मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ से लेता हूँ ठीक है तो इक्वेशंस जो है तो ये जो रिलेशनशिप है सम हाउ

इफ़ आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ठीक है इन दोनों पे लोकार्थीमिक ले लो तो यहाँ पर भी लोकार्थीमिक ले लिया और यहाँ पर भी आपने लोकार्थीमिक टू को ले लिया तो जिसकी वजह से आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से वन बाय टू रेस्टू पावर के लॉग एन इज इक्वल टू वन ये रेफरेंस लिस्ट यहाँ से कि जहाँ से हम के की वैल्यू को इधर निकाल सकते हैं और यानी कि दैट मीन्स दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा होगा लॉग इन इज इक्वल टू टू बाई वन रेस्ट पावर के ठीक है या फिर हम इसको टू रेस्ट पावर के भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इस तरीके से ठीक है और अगर मुझे k के के वैल्यू को है तो अगेन वी हैव टू टेक लोगार्थमिक एक और बार मुझे लोगार्थमिक यूज करना पड़ेगा तो आई हैव टू टेक लोगाथमिक ऑफ लोगार्थमिक एन सो दैट इज लोगाथमिक ऑफ़ टू रेस्ट पावर के ठीक है और इस प्रॉपर्टी की वजह से और सब में लोकार्थमिक की जो बेस है मैं टू ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी के तो यहाँ पर मैं इस तरीके से के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ठीक है ना यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ के तो के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी दैट इज़ लॉग ऑफ लॉग एन इज़ इक्वल टू के अब मुझे क्या करना है बस इसकी वैल्यू को पुट करो इसकी वैल्यू कितनी आपके पास वो है लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन और इस जगह पर भी हम इन वैल्यूज़ को यहाँ से फॉर्मेट करो मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखो तो आपके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से बन निकल जाएगी यानी कि जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज लॉग ऑफ लॉग इन यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड सो गिव दैट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हयर दे आर लेट ए बी एन अरे ऑफ थर्टी वन इज़ एन अरे जहाँ पर थर्टी वन नंबर है कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम जीरो फॉलोड बाई अ सिक्वेंस ऑफ वंस

और सी भी गलत रॉन्ग है द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइव तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम पूछा गया है और फिर समझते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है तो मैं करीब बना रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से बिकॉज दिसाइड कि यहाँ पर टोटल थर्टी वन लोकेशन है तो मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ओके सो द सेट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एन अरे और इस अरे के अंदर हम ए बोलेंगे और इसके अंदर टोटल थर्टी वन नंबर्स हैं यानी कि इंडेक्स लोकेशन वन इंडेक्स नंबर टू इंडेक्स नंबर थ्री फोर फाइव उस तरीके से अगर आप यहाँ पर आगे बोलेंगे तो जो लास्ट लोकेशन होगी वो आपके पास थर्टी होगी तो यानी कि टोटल यहाँ पर थर्टी वन नंबर्स हैं वो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओके okay? उन्होंने बोला है कि दैट लेट एल बी एन आर एफ थर्टी वन नंबर कंसिस्टिंग अ सीक्वेंस एक सीक्वेंस गिवन है ऑफ जीरो फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ वन ठीक है एक नंबर है और जो नंबर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीरोज एज वेल एज वंस जैसे सीक्वेंस आपके पास हो सकता है दैट इज जीरो 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 एक सीक्वेंस हो गया या फिर इस तरीके से होगा ज़ीरो 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 वन हो सकता है ये भी एक सीक्वेंस है ज़ीरो 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 वन वन ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है या फिर ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ये भी एक सीक्वेंस है यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो यहाँ पर नहीं हो सकता ठीक है ये नहीं हो सकता यहाँ पर या फिर ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन ये यहाँ पर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि पहले ने बोला है कि आपके पास एवरी ज़ीरोज़ हमारे पास कुछ ज़ीरो है और उसको फॉलो कर रहे हैं विद अ सीक्वेंस ऑफ वन क्या आपके पास स्टार्टिंग में सिर्फ आपके पास ज़ीरो हो और उसके बाद आपको लास्ट में आपके पास कितने भी वन हो सकते हैं जैसे इस पहले केस में आपके से पास फर्स्ट वाले केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वन नहीं है सारे जीरोज़ हैं नेक्स्ट वाले केस में आपने सभी जीरोज़ हैं लास्ट में वन है इस वाले केस में स्टार्टिंग में तीन जीरोज़ हैं और फिर दो वन हैं यहाँ पर चेक करो तीन जीरो ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर चार जीरो वन हैं तो ये वाला एक तो ये रिलेशन समझ आना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं इसे क्या देख रहे हैं ठीक है अब इसे आगे पूछा है द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है सच दैट ए आई इज़ वन यानी कि उस जगह पर जहाँ पर ए आई की जो वैल्यू है वो आपके पास वन होनी चाहिए ठीक है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लोकेशन है यहाँ पर ए ऑफ़ वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन होनी चाहिए या फिर कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास ऑफ मे बी एलेवन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास वन है यानी कि वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स को हमें बताना है हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है सच दैट ए आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन है नाउ द वर्स्ट केस नंबर ऑफ प्रॉब्स परफॉर्म्ड बाय एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स क्या आपके पास जो है Uh, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होनी चाहिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ से क्या है वो पूछा गया है अब देखो ध्यान देना जब भी हम वर्स्ट केस में देखेंगे तो वर्स्ट केस में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ठीक है मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दाऊँगा दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी ठीक है तो ऐसे समझ में आएगा थोड़ा सा वैल्यूज दूंगा तब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है इमेजिन करो कि पहली एक नंबर थी मैंने ऐसा ले सकता हूँ कि ये थ्री जीरोज़ हैं यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वन हो सकता है यहाँ पर ज़ीरो वन वन हो सकता है यहाँ पर आपके पास वन 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 हो सकता है है ना तो ये सभी क्या हो गए ये सभी सब वंस हैं ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन 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 हो सकता है या फिर आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ऐसा हो सकता है या फिर सारे वंस भी हो ऐसा भी हो सकता है है ना तो ये वाले केसेस हैं कि यहाँ पर किस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं ठीक है अब दूसरे केस में उन्होंने आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कहीं पर बताया कि एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है सॉर्टेड वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं बताई है लेकिन फिर भी अगर हम इस अल्कर्थम को यूज़ करेंगे तो आप इसको लीनियर सर्च तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं क्योंकि अगर लीनियर सर्च है और डेटा अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप इसको लीनियर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको बिग ऑफ एंड टाइम यहाँ पर लगेगा बट द प्रॉब्लम इज ठीक है हाँ मैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको तो अगर मैं लीनियर सर्च लूंगा तो ओवियसली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर बिग ऑफ एन यहाँ पर आएगी तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना अगर वो लीनियर ऑफ एन की वैल्यू आपके पास बिग ऑफ वन है तो यहाँ पर अगर थर्टी वन वैल्यू तो इसकी वैल्यू यहाँ पर थर्टी वन वैल्यू होनी चाहिए लेकिन जो इस ऑप्शन से तो यहाँ पर नहीं हो सकता तो यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास एक लीनियर uh, सर्च तो आप नहीं कर सकते बट क्या कोई और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है और तो हाँ एक और है कौन सा चीज़ें हैं वो वो पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ से एक तरीके से बाइनरी सर्च करूँ तो बाइनरी सर्च करो तब इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि दिस आर द वर्स्ट केस ऑफ प्रॉब्स परफॉर्म बाय एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम अब ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम नहीं होता ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है जो कोई भी ऐसी एल्गोरिथम हो जिसने सबसे छोटी वैल्यू आपके पास निकलेगी सबसे कम टाइम जो हमारे पास लगेगा वो आपके पास ऑप्टिमल एल्गोरिथम है ठीक है अब इस पूरे प्रॉब्लम पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आई डोंट थिंक सो द सेट डेटा विल बी इन सॉर्टेड इन एनी वे यहाँ पर नहीं है बट फिर भी एक जिन ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है तो उसका सबसे कॉम्पलेस्ट जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है पर कि शायद यहाँ पर बाइनरी सर्च यहाँ से हो सकता है तो अगर यहाँ पर बाइनरी सर्च है तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि हम एक मीडियम वैल्यू को निकालते हैं वी कैन फाइंड कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और उसके मिड वैल्यू को ले लो तो यहाँ पर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय टू को चेक करो और चेक करो कि सबसे जो बीच बीच वाली वैल्यू है क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है अगर वो यहाँ पर बड़ी है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे अदरवाइज हम इसके राइट में जाएंगे तो यानी कि उस केस में मैं बाइनरी सर्च करूंगा और अगर बाइंड्री सर्च करते हैं तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्स अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो बाइंड्री सर्च के तरीके से जो तो टाइम कॉम्प्लेक्स आती है बिग ऑफ इन ठीक है और उस कोई केस में अगर जैसे इस केस में देखेंगे हमारे पास लॉगार्थमिक ऑफ थर्टी वन यहाँ पर निकालेंगे और उसकी हम जो एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ से ठीक है तो आई थिंक यू कैन फाइंड टोटल आपके पास सेम वैल्यू को चेक करो लॉग थर्टी वन क्या होती है तो इसकी अगर मैं लॉगार्थमिक वैल्यू को ले लेंगे यहाँ से तो आपके पास वो फाइव को दिखाएगा ठीक है तो जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है वो यही है बाइनरी तो इसी वजह से मैं इसका सही आंसर मैं डी दूंगा सो दैट इज़ फाइव फाइव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है इतना समझ आया देखो कहीं पर भी आई डोंड so की ये सॉटेड है कि नहीं है बट जिस ऑप्शन को दिया गया है उस ऑप्शन के विषय में आपको बता सकता हूँ कि हाँ शायद मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मे बी आई विल बी एबल टू फाइंड लगे तो यानी कि मैं इसको बाइन रि सर्च ही मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ आई डोंट हैव एनी अदर सोल्यूशन मेरे पास कोई और सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है ठीक है कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यू नीड अ सॉल्यूशन इस प्रोग्राम जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए तो आई हैव ऑनलाइन कंपाइलर है मैं इसको यूज़ करके आपको आंसर दे देता हूँ यहाँ से ठीक है तो तो दिस इज़ द प्रोग्राम ठीक है ये प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा इस प्रॉब्लम को तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कैसे हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करिए यहाँ से कि आपके पास सम नंबर्स आर अवेलेबल ठीक है तो बिट्स को हमने यूज़ किया है और यहाँ पर आप चेक करेंगे कुछ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बनाया है यहाँ से और ये जो है उसको असाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है कि जितने भी जीरोज़ और वन जो है ना वो यहाँ पर गिवन है यानी कि उसकी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए और फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन पे मैंने एक बुलियन एकर ही बनाया है अच्छा ओ हाँ ये भी एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि सभी जीरोज़ भी हो सकते हैं ठीक है तो बुल वैल्यूज होंगे यानी कि सारे एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि हर एक लोकेशन में मैं एक तरीके से बुलियन वैल्यू ही मैं यहाँ से ले सकता हूँ है ना आई थिंक लेट मी सी द देंट मे बी शायद ये एक रीज़न है लेट ए बी एन अरे ऑफ थर्टी वन नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस फॉलोड बाय वन हाँ तो ये एक सेकंड तरीका है आई थिंक द सेकंड वे तो आई थिंक टोटली अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है क्या तो शायद वो स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे इसका दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ से बेसिकली ये जो चीज़ यहाँ पर गिवन है ना ये वाला ठीक है स्टेटमेंट का एक्चुअली स्टेटमेंट मुझे लगता है कि स्टेटमेंट इतनी सही नहीं थी स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट जो थोड़ा सा अलग था मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि अब एक्चुअली का दूसरा तरीका क्या है ठीक है तो फिर से समझो यहाँ पर है क्या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ना ये आपके पास टोटल थर्टी वन नंबर्स हैं ठीक है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन लास्ट में आपके पास थर्टी है अब जब वो यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास सम समिकवेंस ऑफ जीरोस और फॉलोड बाय वन ठीक है तो यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में बहुत सारे जीरोस होंगे ठीक है और किसी जगह पर आपके पास यहाँ से वन आपके पास इधर आ जाएंगे ठीक है दिस इज़ द ओनली वे यही एक तरीका है जो उसके स्टेटमेंट में यहाँ पर जो दिया गया है ना उसके वजह से स्टेटमेंट का मीनिंग फिर यही है ठीक है तब आप इसको सॉर्ट कर सकते हो उसको सॉर्ट करने के लिए फिर आप बाइनरी सर्च ऑब्वियसली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो देन यू कैन यूज़ बाइनरी सर्च क्योंकि बाइनरी सर्च तो मैंने ही नहीं किया गया बाइनरी सर्च तो मैंशन ही नहीं किया गया तो यानी कि दिस इज़ द ओनली वे तो यही एक तरीका है हम विदाउट यूजिंग बाइनरी सर्च तो स्टेटमेंट शायद जो है वो कुछ इस तरीके से ही रहेगी कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम है मैं प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ तो शायद ये मीनिंग जो आपको समझ में आएगी यहाँ पर ठीक है तो समझने की कोशिश करना कि ये स्टेटमेंट है क्या ओके तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को समझो ये आपके पास मेन फंक्शन था और इस मेन फंक्शन पे मैंने एक अरे को बनाया है जो यहाँ पर बुलियन है राइट इट इज़ बुल यानी कि कहने का तब है कि ये आपके सारे लोकेशंस हैं वहाँ पर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन वो थर्टी तक सारी वैल्यूज़ हैं फिर हमने क्या किया है कि हमने एक वैल्यू को यहाँ से लिया है कि फॉर i इज इक्ल टू जीरो आई इज़ लेस देन थर्टी वन आई प्लस प्लस प्रिंट द वैल्यू ऑफ i तो यानी कि इन सभी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया ठीक है प्रिंट करने के बाद अब यहाँ से हमने कुछ असाइनमेंट करी है अब यहाँ से देखो कि प्रिंट किया है नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ गई और फिर एक प्रॉप्स दिखा रहा है कि टोटल कितने प्रॉप्स यहाँ पर आ रहे हैं और फिर हमने फॉर लूप ले लिया और फिर फुल ऑप से क्या हो रहा है आपके पास कि इंटीजर ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू रैंड थर्टी टू कहने का मतलब है कि रैंड थर्टी थर्टी टू का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से लेकर थर्टी वन तक ही रहेगी वो थर्टी टू के बाद वो रुक जाएगी फाइन फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दैट इज़ असाइन ए ज़ीरोज़ ठीक है यानी कि हम इस लोकेशंस पर हम स्टार्टिंग में कहीं पर आपके पास जीरोज़ हो सकती हैं जैसे वी कैन हैव सम जीरोस कुछ जीरोस आपके पास है और उसके बाद कहीं पर फिर आपके पास यहाँ पर सिर्फ वंस हैं ठीक है ठीके? तो ये कितने भी ज़ीरो हो सकते हैं हमें हाँ नहीं पता कितने भी हैं ऐसा भी हो सकता है जीरो ज़ीरो भी हैं या फिर नंबर ऑफ़ जीरोस आपके पास थर्टी भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है फिर इस एलिमेंट पे एलिमेंट uh, को वैसे सॉर्ट कर दिया ताकि सेम चीज़ को यहाँ पर इस ऑर्डर पर आ जाए इस ऑर्डर पर एलिमेंट यहाँ पर आ गया और फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर बाइनरी सर्च को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ अगर थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे ना इधर तो यहाँ पर आप देखोगे तो हम इसको बाइनरी सर्च हम लोग करेंगे तो बाइनरी सर्च के बाद फिर हम देखेंगे कि टोटल इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी बिकॉज बाइनरी सर्च है तो वो uh, इस टाइम को यहाँ से देखेगा दैट इज़ लॉग इन तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्या है फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा आई थिंक शायद मेरे अंदर एक गलती रही होगी शायद दिस इज़ माई मिस्टेक मेरी गलती है तो मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो उसको ठीक कर लीजिए तो शायद मुझे ये स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं आया था ठीक है ये शायद ये एक रीज़न था इसका बट आप इसको करेक्ट कर सकते हो आप यानी यू कैन करेक्ट इट आप इसको करेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर क्या पूछा गया है तो यही है ठीक है तो दैट इज़ बाय द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर होगा ठीक है तो इसका एक कंपायलर भी है कंपाइलर करके दिखाता हूँ यहाँ से तो सेम कम्परिजन्स जो है ना वो यहाँ से आप इधर देख सकते हो दिस अनदर वे ठीक है तो उसका कोड जो है यहाँ से देख ही सकते हैं यहाँ से तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ले लिया पहले बताया कि आपका अरे का वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में आपके पास जीरोज़ हैं उसके बाद आपके पास वन वन है और फिर डायरेक्टली इसको बाइनरी सर्च को आप यूज़ करो और बाइनरी सर्च के आपके पास निकल जाएगा कि टोटल इसकी लोकेशंस क्या है और इसकी मतलब तो लोकेशन कितनी बार इसको हमें ट्राई करना पड़ा दैट्स इट तो यहाँ से भी आप इस काम को देख सकते हो ठीक है फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ एलिमेंट्स विद वन वैल्यू इज विच आज द फॉलोइंग अगर आपके पास एक एलिमेंट है ठीक है उसको हम इसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पर है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है दैट इज़ हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पूरे अरे के अंदर जो अरे है उसके अंदर कौन जो लोकेशन कहाँ पर है वो आइटम्स कहाँ पर है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट वन आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसमें से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है नंबर ए दैट इज क्विक सॉर्ट ऑप्शन नंबर बी इज मर्ज सॉर्ट ऑप्शन नंबर सी इज शेल सॉर्ट एंड डी इज बबल सॉर्ट ओके सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी यस डी जो है वो आपका सही आंसर है बट मीनवाइल लेट मी शूड शेयर विद यू ठीक है एक चीज है मैं शेयर करता हूं यहां से तो बहुत सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है हमारे पास तो उसका जो एग्जाम्पल है यहाँ स्क्रीन पर आप इधर देख भी सकते हैं ठीक है राइट तो जैसे ये जो है वो शॉर्टिंग एल्गोरिथम है विकीपीडिया का पेज है आप इसको देख भी सकते हैं इसके अंदर और सबके कंपेरिजन हैं जो इधर अवेलेबल है ठीक है तो जैसे अगर हमारे पास क्विक शॉट है तो ये जो टेबल है आपको हमेशा याद होनी चाहिए Uh, अगर आप क्विक क्विकसॉट यूज़ करते हैं तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन लॉग इन एवरेज केस इज़ एन लॉग इन एंड द वर्स्ट केस इज एन स्क्वायर और स्पेस जो है वो लॉग इन है और ध्यान देना क्विक शॉट जो है वो स्टेबल नहीं है इट इज़ नॉट अ सॉटिंग इट इज़ नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम दूसरा जो आपके पास है मर्ज शॉट uh, उसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेस्ट है दैट इज़ एन लॉग इन इसकी एवरेज जो है दैट इज़ एन लॉग इन और द वर्स्ट है वो भी एन लॉग इन है बट जो स्पेस यहाँ पर आती है दैट इज बिग ऑफ इन और ये जो है वो यहाँ पर स्टेबल है फिर उसी तरीके से अगर आपके पास इन प्लेस मर्ज शॉट है तो यहाँ पर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है एन लॉक स्क्वायर एन और जो मेमोरी है बिग ऑफ वन होती है और इट इज़ ऑल्सो स्टेबल फिर उसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास आता that is heap sort. Heap sort है दैट इज हीप शॉर्ट हीप शॉट में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग इन एवरेज इज ऑल्सो एन लॉग इन एंड वर्स्ट इज ऑल्सो एन लॉग इन एंड द मेमरी इज वन बट इट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल ये जो है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं है ऐसे इंस में जाएंगे तो बेस्ट बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एन और एवरेज इज एन स्क्वायर एंड द वर्स्ट इज ऑल्सो एन स्क्वायर जो मेमरी है दैट इज पिक ऑफ वन ऐसे ही थोड़े से आप आगे जाएंगे यहाँ तो से तो बहुत सारे शॉर्ट एंकलकॉर्थम्स है इवन दो हमारे सिलेबस में इतने सारे शॉर्ट एक्लकॉर्थम नहीं आती हमारे पास थर्टी से ज्यादा है ठीक है तो फिर आपके पास सिलेक्शन शॉर्ट है तो बिग ऑफ जो है आपके पास वर्स्ट बेस्ट एंड एवरेज तीनों केस में एन स्क्वायर है थोड़ा सा आगे जाएंगे आपके पास शेल शॉट है तो शेल शॉर्ट में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस दैट इज एन लॉग इन और uh, थोड़ा सा आगे जाएंगे एवरेज केस इज़ एन रेस्ट पावर एन फोर बाय थ्री एंड वर्स्ट केस इज एन रेस्ट पावर थ्री बाई टू ठीक है बबल शॉर्ट तो जो बेस्ट केस है दैट इज़ बिग ऑफ एन एवरेज इज एन स्क्वायर दर्स्ट इज ऑल्सो एन स्क्वायर फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से इफ यू गो देर तो आपके पास uh, ये सभी जो है दिस आर कंपेरिजन बेस्ड ठीक है ध्यान देना पहले से गिवन है यहाँ पर ये कंपेरिजन बेस्ड है ठीक है कुछ ओसी हैं जो कंपेरिजन बेस्ड नहीं है जैसे रेडिक शॉर्ट है या फिर बकेट शॉर्ट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दे ऑलरेडी क्लिक गिवन दैट इज नॉन कंपेरिजन बेस्ड जिसमें हमारे पास बकेट शॉट आती है इसलिए हमारे कॉम्पिटिव एग्जाम्स में आते हैं बहुत ज्यादा Uh, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज जो है हमारे पास एन प्लस वन एन प्लस के वर्स्ट केस इज़ एन स्क्वायर इन टू के और जो मेमरी है दैट इज एन डॉट के ठीक है ऐसे ही फिर आपके पास बकेट सॉर्ट है ठीक है फिर बकेट सॉर्ट था ये भी बकेट सॉर्ट है दोनों फ़र्क क्या है पहला आपके पास यूनिफॉर्म्स की है और दूसरा है इंटीग्रेट कीज इंटीजर्स हैं तो वहाँ पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से काफ़ी कम होती है फिर जो कॉम्पिटिव एग्जाम में आता है वो काउंटिंग सॉर्ट तो काउंटिंग सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर आपके पास है रेडिक शॉट तो रेडिक शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कई सारे कॉम्पिटिव एग्जाम में रेडिक शॉट भी आपके पास आता है बाकी सब हमें देखने की जरूरत नहीं है इवन दो बहुत सारी हैं बट बाकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे दर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टिंग एलिकोरिथम ठीक है तो इस पेज को तो देखने के लिए जस्ट विकीपीडिया पेज आप सर्च कर देना कि शॉर्टिंग एलकोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो सबका डेटा आपको यहाँ से मिल ही जाएगा अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से पहुंचते हैं तो क्वेश्चन से पहुंचेंगे तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज बबल सॉर्ट तो बबल सॉर्ट जो है वो इसका स्लोएस्ट है ठीक है चलो नेक्स्ट सिलेक्शन सॉर्ट क्विक सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम और नॉट इसमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर एक स्टेबल एल्गोरिथम है बिकॉज जैसे थोड़े पहले बताया था क्वेश्चन के अंदर ही तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर ये है थोड़ा बताया था मैंने आपको सिलेक्शन शॉट और क्विक शॉर्ट के अंदर मुझे बताओ दोनों में से कौन सा जो है यहाँ पर स्टेबल है एंड बाय द वे आकाश योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज सिलेक्शन शॉर्ट एंड क्विक क्विकॉर्ट बोथ ऑफ देम आर नॉट स्टेबल दोनों स्टेबल नहीं है यस yes, कंचन रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना चाहिए कहने का मतलब क्या है तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक अरे है कुछ वैल्यूज लेते हैं जैसे फोर थ्री टू थ्री वन एज वेल एज जीरो एंड वन ठीक है ये आपके पास एक डेटा यहाँ से गिवन है अब जब इस एलिमेंट को हम सॉर्ट करते हैं तो एलिमेंट क्या मिलेगा आपके पास जीरो वन टू थ्री थ्री एज वेल एज फोर बट द थिंग इज स्टेबल का मंत्र क्या होता है कि ये जो नंबर है जैसे यहाँ पर भी थ्री है और यहाँ पर भी थ्री है ये किस लोकेशन पे आएगा अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, जैसे इसको थ्री एक्स है और ये आपके पास थ्री वाई है अगर डेटा आप सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये थ्री एक्स इस तरफ आना चाहिए और थ्री वाई इस तरफ होना चाहिए तब बोलेंगे कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पर स्टेबल है लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि सेम डेटा आपके पास है डेटा सॉर्ट किया आपने जीरो वन टू थ्री थ्री एंड फोर और ऐसा हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ एक्स uh, यहाँ पर आपको पहले वाई मिल गया और यहाँ पर आपके पास एक्स मिला ये वन तो डेटा सॉर्ट हो रहा है लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ से मेंटेन नहीं हो रहा कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इट इज़ नॉट स्टेबल इसको बोलते हैं अनस्टेबल तो यहां पर आप देखोगे हमारे पास सिलेक्शन शॉर्ट और नॉट स्टेबल दोनों जो है यहां पर स्टेबल नहीं है ठीक है चलो फॉलोइंग शॉर्टिंग नॉट हैव ए वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर फॉलोइंगलगोर्थम डज नॉट द वर्स्ट केस रन टाइम ऑफ एन स्क्वायर कौन सी ऐसी है इसका जो वर्स्ट केस है वो एन स्क्वायर नहीं है the here is B. सही आंसर है दैट इज मर्ज सॉर्ट ठीक है ध्यान देना थोड़ी देर पहले अब तो बताया था तीनों केस में हमें यहां पर यूज करना है वट इज द बेस्ट केस

The best case is big of n, average case is n square and the worst case is also n square. इस सब में से इसकी जो worst case time complexity जो है वो n square नहीं है और वो कौन सा है वो है आपके पास दैट इज मर्ज शॉर्ट तो मर्ज शॉर्ट विल the करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर होगा ओके नेक्स्ट डैश sorting algorithm हैज द lowest वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें से कौन सी ऐसी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका वर्स्ट केस में आ, इसकी लोवेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसकी है कौन सी है इसके अंदर डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ द लोवेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सेम डेटा ही है सेम डेटा ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा ठीक है तो थोड़ा तो तो पहले अगर आपको याद होगा तो बस डेटा यहाँ से शेयर किया अलग अलग था यहाँ से ठीक है द करेक्ट आंसर ईयर इज योर मर्ज शॉर्ट क्योंकि मर्ज शॉर्ट में वर्स्ट केस जो है उसका वो एंड लॉग इन है ठीक है क्विक शॉर्ट इज एन स्क्वायर एंड द बबल शॉर्ट इज ऑल एन एन स्क्वायर एंड सिलेक्शन शॉर्ट इज ऑल्सो एन स्क्वायर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज मर्ज शॉर्ट ओके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिस्कल्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स एन वर्टिसेस एंड टोटल एम एजेस

ट जो है, जो edges है वो यहाँ पर सॉर्टेड है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी यहाँ पर क्या रहेगी सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है ध्यान देना यह जो क्वेश्चन है ये गेट में पहले एक बार आ चुका है और लखी लिख्मी सी आई थिंक ये जो है गेट में पहले आया था ये गेट टू नाइन नाइन टू में क्वेश्चन हमारे पास पहले, पहले आया था ठीक है वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था बट ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर आया था ठीक है तो अगर इस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करेंगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप क्रॉस्कलकॉर्थम हमारे पास आती है तो कल क्विक जो मैं इसके दिखा देता हूँ पहले आपको ताकि समझ पाए ठीक है तो ये जो है आपके पास आई शो यू अलो यू डोंट वरी तो सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास क्रोस्कल से एलकॉर्थम है ठीक है अब क्रुस्कल एल्गोरिथम में और प्रेम एल्गोरिथम में फर्क क्या होता है डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यूज है ना हम उसको सेलेक्ट करते हैं जैसे अगर ये आपके पास एक ग्राफ है इस ग्राफ में क्या होता है कि जो सबसे छोटी जो एज है वो हमें यूज़ करेंगे क्रैंडमली को कोई भी यूज़ करो जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने यूज़ किया क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू थी फिर हमें क्या करेंगे फिर दोबारा से सबसे छोटी वैल्यू को लेंगे जो कि आपके पास यहाँ पर एन को फाइव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फिर उससे जो बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ से इसके बड़ी वैल्यू हो गया आपके पास दैट इज सेवन सो आइदर आई कैन यूज या तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ या फिर मैं फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ फिर इससे बड़ी जो वैल्यू हो होगी आपके पास आई थिंक इससे बड़ी वैल्यू सेवन की जगह पर सिक्स है अगर आप चेक इट हेयर तो सिक्स जो है वो यहाँ पर वैल्यू है और सिक्स के बाद फिर आपके पास वैल्यू सेवन आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास सेवन है ठीक है अब उसके बाद हम लोग क्या करें कि हमें सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पर यूज करना है तो ये जो है ये आपके पास इधर आपके पास आएगा तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि आपका एल्गोरिथम यहाँ पर क्या है ठीक है तो मैं बताऊँ चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। अब इमेजिन करो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे इन्होंने ये बोला हुआ है कि फाइंडिंग द मिनम स्पेनिंग ट्री ऑफ अनडेटेड ग्राफ विद एन वर्टिस एन एजिस इफ द एजिस आर शॉर्टेड ये जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन्होंने बोला है कि जो भी आपके एजिस हैं उसको हमने शॉर्ट किया हुआ है तो यानी कि अगर वो पहले से ही सॉर्ट किया हुआ है तो हमें इस जो भी एलगोर्थम हम लोग यूज़ कर जैसे हीप सॉर्ट से हम लोग इस एलगोर्थम को यूज़ कर सकते हैं राइट मल्टीपल वेज बहुत सारे तरीके हैं क्रिजकल सेलगोर्थन को यूज़ करने के लिए आप मिन हीप को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पहले एलिमेंट को सॉर्ट करो और सॉर्ट करने में उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है हमें यहाँ से उसको यूज़ करना है ठीक है बट द ओनली थिंग इज हमें बस ये चेक करना था कि हमारे पास कोई लूप है या फिर नहीं है तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम इस एल्गोरिथम को हम देखते हैं तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर अवेलेबल है ठीक है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर ही आप इसको समझ पाएंगे तो जैसे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ठीक है तो द सेट एम एट वट इस आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैं इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिखाता हूँ क्योंकि अब लिंक कुछ है तो मैं दिखाता हूँ यहाँ से तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रिस्कल सेलकॉर्थम था ना तो क्रिस्कल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं पर होगा तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर गिवन है आपके पास e मल्टीप्लाइड बाय लॉग e और e मल्टीप्लाइड बाय लॉग v ठीक है जहां पर e बता है कितने एजेज हैं और v रिप्रेजेंट कर रहा है कितने वर्टेस हैं ठीक है अगर वर्टिसेस जो है बहुत कम है और नंबर ऑफ एजेस बहुत ज़्यादा है तब अकॉर्डिंगली इसमें से एक वैल्यू को हम लोग यहाँ से चूज करते हैं यहाँ से ठीक है बट इस एलगौरथम में सबसे बड़ा पार्ट काम क्या होता है कि पहले हमें एलिमेंट को सॉर्ट करना पड़ता है वी हैव टू सॉर्ट दीज एलिमेंट्स पहली लाइन ये है कि हमें पहले इसको सॉर्ट करो और सॉर्ट करने के बाद फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमें यूज़ करना है अब हमारे इस पूरे क्वेश्चन में पहले ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमें इस पार्ट को यूज़ ही नहीं करना दे डिसाइड कि डेटा जो है वो पहले से सॉर्टेड है जो भी आपके वर्टेस हैं जो एजेस हैं जो आपके एजेस हैं वो पहले से ही सॉर्ट की हम सॉर्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस की इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्टली बस ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो अपने नंबर ऑफ ई के बेसिस पर ही होगा और हमें चेक करना है कि इसके अंदर कोई लूप है कि नहीं है और लूप जो है वो प्लस आई थिंक लॉग वी एल्गोरिथम आपके से लेगा चेक करने के लिए कि हमारे पास कोई लूप है या फिर नहीं है कहने का मतलब है जब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो उसके मल्टीपल पार्ट है पार्ट में दिखाता हूँ फिर से तो जब हम क्रिस्कल्स एल्कोथम को यूज़ करते हैं तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप यह है कि आप एलिमेंट को आप सॉर्ट करो या तो आप सॉर्टिंग एलकोर्थम को यूज करो या फिर हम मिन हीप को यूज करो किसी एक को भी यूज कर लो ठीक है फिर उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है हम उसको वन टू वन एलिमेंट को हमें पिक करना है और अगर आपके पास टोटल एन एजेस है तो हर एक एजेस को एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा तो जितने भी एजेस हैं उन एजेस को हम एक एलिमेंट एजिस को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपके पास हर एक एज के साथ कि आपके पास कोई लूप है या नहीं है तो उसके लिए आपको लॉग वी टाइम लगता है ठीक है ये चेक करने के लिए कि वो जो है वो आ, जो है वो आपके पास एक आ, लूप है कि नहीं है तो उसकी जो रगौ यूज़ करते हैं दैट इज़ फाइंड यूनियन ठीक है बट ये जो पहला पार्ट है ये ही सबसे हेल्दी पार्ट था क्योंकि हम जब एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं चाहे को, कोई भी एलगोर्थम को यूज़ करें जैसे आप यू कैन यूज द मिन हीप सो सॉरी दैट सॉर्टिंग एलोर्थम कोई भी यूज करें जैसे आपके पास एक क्विक uh, सॉर्ट uh, है या फिर यू हैव uh, जो भी सॉर्टिंग एलॉर्थम थोड़ा पहले हमने मैंशन किया था तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ टाइम कोई भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो टाइम ये चीज़ उन्हें हटा दी वो हटा दी हमें सिर्फ मेजरली इस चीज़ को फोकस करना है और फिर हमें साथ में ये वैल्यू चेक कर लें कि इसके अंदर कोई लूप है या फिर नहीं है अब वही चीज़ इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था ठीक है तो इस क्वेश्चन में यही पूछा कि अगर मेरे पास टोटल एन वर्टेस हैं और टोटल एम एजेस हैं तो अगर एजेस जो है वो पहले से ही हमने यहाँ पर सॉर्ट किया हुआ है तो आपका जो टाइम है वो यहाँ से कम हो जाएगा और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आपके पास कितने एजेस है क्योंकि नंबर ऑफ एजेस सबसे ज़्यादा है ठीक है तो इस केस में सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर होगा ठीक है बिग ऑफ ओके आई होप यू अंडरस्टैंड अभिजीत सर एन आई सी नेट में पी वाई क्यूज रिपीट होता है क्या टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में एन आई सी निलेट के पीवा क्यूज विल बी कवर्ड अगेन और नॉट सिम देखो बेसिकली होता क्या है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे गेट है चाहे यूजीसी नेट है चाहे डिलेट है चाहे इसरो की तैयारी करेंगे देखो हमेशा एग्जैक्टली exactly स्टेटमेंट तो नहीं आती बट सिमिलर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट तो सेम है अगर आपके पास क्रिस्कल्स एल्गोरिथम है अगर आपके पास कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कॉन्सेप्ट हमेशा सेम है कॉन्सेप्ट मतलब आपको कभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते आपको करना होता है कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाते हो मतलब यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो समझो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर उसका जो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप किसी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करने से आपको बेनिफिट यहां से मिलता है ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड इफ एजेस आर नॉट सॉर्टेड अगर एजेस सॉर्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली सेम जो नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वही यहां पर आएगा उस केस में ठीक है वो सेम यहां पर आपके पास इधर निकलती है और जैसे आपने यहां पर बताया ना कि ये जो आपने टाइम कॉम्प्लेक्स ने यहाँ से बताई है रजनी आपने बोला है बिग ऑफ ई प्लस लॉग बी आपने यहाँ से बोला है ना तो इसमें ध्यान दो ना कि इन द वर्स्ट केस वर्स्ट केस में जो आपके नंबर ऑफ बी जो है दैट इज इक्वन टू ई ठीक है कहने मतलब है कि जनरली जब ग्राफ बनाते हैं ग्राफ के अंदर वर्ट हमेशा कम होते हैं और एजेस मोस्ट ऑफ टाइम्स वो बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है अगर आपके एजेस बहुत ज्यादा है तो हम वो ई e के इक्वल रहता है ठीक है इन द वर्स्ट केस वो वर्स्ट केस होता है कि जहां पर वी की जगह पर वो ई e होगा तो आपको ई प्लस लॉग ई के आसपास होगा और इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी आपके पास सिर्फ ई e है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ ई e ही आपके पास यहाँ से निकलेगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड प्रिया सर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टडी को कितना टाइम दें जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और कुछ जो है वो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन शुरू करी है कॉम्पटिशन है ठीक है और कॉम्पटिशन में लोग मेहनत करते हैं कुछ लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं कुछ लोग नहीं करते बट कहने होता कहने होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए उतना अच्छा है एक है एटलीस्ट एक बैलेंस तो लो एटलीस्ट आठ नौ घंटे तो पढ़ो हर दिन बाकी टाइम अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए फोकस करो अपने फैमिली के साथ को स्पेंड करो बट अगर मिनिमम टाइम तो कुछ नहीं हो सकता मैक्सिमम ज्यादा टाइम है जितना मिल जाए उतना अच्छा है जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे मेहनत करोगे उतना अच्छा है नेक्स्ट टू मेन रीजंस ऑफ एल्गोरिथम्स आर अब ये सर एन आई सी नेट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं हाँ आते हैं ऐसा नहीं है हमेशा मतलब ऐसा नहीं लास्ट तीन सालों से ही ऐसा हो रहा है पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा जनरली क्या होता है कि ना क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आते हैं हर एग्ज़ाम से आपको सिर्फ गेट के क्वेश्चन फोकस नहीं करना उसके अलावा आपको यूजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं ठीक है गेट के जो पहले पुराने क्वेश्चन थे नाइनटीन नाइनटी टू के क्वेश्चन थे नाइनटीन देखो टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन के बाद ना सिलेबस चेंज हुआ था गेट का बट उससे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस आता था गेट टू थाउजेंड थर्टीन जब मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर आई का सिलेबस आता था उसके अलावा वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता था और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना अब वो यहाँ पर नहीं आता अब वो नहीं आता यहाँ पर है ना बट हाँ वो जो उस टाइम के जो क्वेश्चंस थे वो एन आई के अंदर आ रहे हैं जूडिस नेट के जो प्रिवियसर क्वेश्चन है वो नीलेट के अंदर आ रहे हैं इसरो के जो प्रिवियसर क्वेश्चन है वो नीलेट में आते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो बेंच है ना बेंच मार्क जिसको बोलते हैं बेंच मार्क उन सबका का बेंच मार्क तो समझा सेम है ना उस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे तो उस टाइम के क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम है उनके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी आपकी तैयारी करनी है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स बेसिकली क्या होता है जब आप एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते आप हर तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हो आप सिर्फ एक एनआईसीड की तैयारी नहीं करोगे बट जो चीज़ें आपने पढ़ी है जो गेट का सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस की वजह से आपका एनआईसीड का एग्ज़ाम क्लियर होगा उस एक एग्ज़ाम की वजह से आप साइंटिस्ट के बहुत सारे वैकेंसी बार्क की वैकेंसी आती है इसरो की आती है है ना ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है ऐसा नहीं, नहीं आती आती है इवन कई लोगों ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस की देखी होगी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का फ़र्क आता है अगर आप एक डिफ़िकल्ट लेवल को ही आपने टच कर लिया है तो ईजी वाला करना आपके लिए ईजी होगा दो बजे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको तो गवर्नमेंट जॉब तो हर जगह पर आ रही है इस वह पर रिसेंटली एक वैकेंसी आ रही थी जहाँ पर पी जी डी कंप्यूटर साइंस की वैसे के वी एस पी जी टी का एग्जाम होता है डी टू प्लस भी पी जी डी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जहाँ पर सेवन हंड्रेड ज्यादा वैकेंसीज हैं और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी दो सौ के आसपास है वहाँ पर भी आपके पास कॉन्सेप्ट तो सेम है ना यू शुड नॉट फोकस ऑन जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन पर फोकस मत करो फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट सॉलिड है कॉन्सेप्ट आपको अच्छा है तो हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो नया क्वेश्चन भी आ जाएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं टू मेन रीजंस फॉर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स आर अगर आपके पास एक जो टू मेन रीजनसी जो है उसके मेन रीजन होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं दो चीज हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी टाइम टाइम एंड स्पेस स्पेस और ही हम लोग यहाँ से यूज करते हैं नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द बिग ओ इज इंपॉर्टेंट इज बिच ऑफ ऑफ ये सर मैंने गेट 2011 11 से 2023 थाउजेंड सॉल्व किया उससे पहले भी पिक करो 2019 uh, 92 से अब तक सिर्फ uh, 2011 से नहीं 1992 से लेकर 2023 तक वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ठीक है क्योंकि प्रीवियस ईयर कोश्चन्स आते हैं आपने सिर्फ पहले को भी सॉल्व करना पड़ेगा और एक एक और कोशिश करना कि जो गेट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आई के जो क्वेश्चन आते हैं वो गेट के पुराने क्वेश्चन थे अगर कहीं से मिल जाए तो आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है वो मिल जाता है आपको वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट ऑफ इज बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इट कैन बी यूज टू डिसाइड द बेस्ट एलगोर्थम दैट सॉल्व अ गिवन टाइम ऑप्शन नंबर बी इट इज अ लोअर बाउंड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द ऑप्शन नंबर सी इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम साइज ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन अ गिवन टाइम ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एज वेल एज बी इसका सही आंसर क्या है और ध्यान देना ये वो जो क्वेश्चन जो हाँ देखिए गेट में तो नहीं आया था अबला क्वेश्चन बट सो द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है uh, सही आंसर है सो ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए ए इसका सही आंसर है ठीक है इट कैन यूज टू डिसाइड द बेस्टम दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है तो ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेट इन एन ग्राफ एन एन वर्ट एन एम एजेस हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑफ द फॉलोइंग तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर होगा दैट इज एम प्लस एन थी टन तो सी इज द करेक्ट आंसर डी इसका सही आंसर नहीं है ठीक है

एंड एम टू इज़ जी एन दैन द ऑर्डर ऑफ एल्कॉर्थम इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडम इज मेड अपू मॉड्यूल्स एम वन एंड एम टू इफ़ द ऑर्डर ऑफ एम वन इज़ एफ एन एंड एम टू इज जी एन दैन द ऑर्डर ऑफ एलकॉर्थम इज ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए है यानि कि हमें मैक्सिमम को देखते हैं देखो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन जिसके टाइम कॉम्प्लेक्स के आपके पास एन स्क्वायर प्लस थ्री uh, एन प्लस uh, वन लाख यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा एक फंक्शन है जहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है जैसे टेन लैक्स ठीक है इस तरीके से टेन लैक्स एन प्लस मे बी टेन रेज पावर टेन तो इन दोनों में से आ, किसका फंक्शन बड़ा है तो उस केस में यू कैन से इफ आई से फंक्शन एन प्लस फंक्शन जी एन तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर वो बिग ऑफ एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलता है That is of N तो बेसिकली हमें यूज करते हैं पावर है वो यूज करते हैं तो इसी से जो है वो इसका सही आंसर है बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर ठीक है बी इसका सही आंसर नहीं है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टी एन डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विच द फॉलोइंग ट्रू कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहां से ट्रू है so the here is number, बता दें द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है ठीक है ध्यान देना दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से uh, सबसे हम इस लोअर uh, बाउंड हम यूज करना यानी कि ओमेगा यानी कि लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड का दबाई कि कम से कम कितना एग्जीक्यूट करेगा जैसे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करो कि हमने एन की वैल्यू को दिया फिर हम चेक कर रहे हैं फॉर आईज गो टू टू आई इज़ स्क्वायर रूट ऑफ़ एन एंड है प्लस प्लस और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर एन मॉड आई की वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो है तब आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे अदरवाइज नहीं करेंगे ठीक है और ये लूप है हमारे पास तो यानी कि अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू को यहाँ से लेता हूँ जहाँ से एन मॉड आई यहाँ पर आपके पास आएगा अगर मैं इफ़ आई से इफ़ द वैल्यू ऑफ एन जो है वो आपके पास मे बी थाउजेंड है और लेटर सपोज़ आई की वैल्यू है वो आपके पास टू है तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास वो होगा आपके पास थाउजेंड मॉड टू और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू होगा और जैसे ही ये ट्रू होगा तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इसी वजह से आपको यू नो दिस इज़ ओमेगा वैल्यू यहाँ पर आती है यानी कि मेगा ऑफ वन यहाँ से निकलता है दैट इज लोअर बाउंड और सबसे बड़ा बाउंड यानी कि सबसे ज़्यादा कितना एग्जीक्यूट होगा सबसे बड़ा तब एग्जीक्यूट होगा जब ये लूप मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से चल रहा है यानी कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमेशा स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है सम्भव कोई वैल्यू होगी जो यहाँ से फॉल्स होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द वैल्यू ऑफ एन जो है वो आपके पास होगा मे बी आई कैन फाइंड अ वैल्यू एज़ मे बी थाउजेंड में भी ठीक है मैं थाउजेंड लेता हूँ और या फिर थाउजेंड वन ले लिया और आई की वैल्यू मैंने यहाँ से वन दे दिया है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपके पास क्या आएगी तो मैक्सिम लाइन कितनी बार चलेगा ठीक है और कितनी बार करेगा जितना एंड रूट टाइम्स एंड रूट ऑफ एंड टाइम्स ठीक है तो यानी कि जो बिग ऑफ आएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एन यहाँ पर आपके पास आएगा इसी वजह से सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है ओके ओके ये हो चुका है ये ओके व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग फंक्शन ये फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स आपको मुझे बतानी है सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर है फ्रॉम अभिजीत ठीक है ध्यान दो कैसे उसको सॉल्व कर सकते है? wrong, okay? हैं यस्टरडे हाउ ओमेगा वॉज रॉन्ग ओके देख लेते हैं तो जैसे इसको देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से i की वैल्यू जो है आपके पास वन है और हमें चेक करना है जब तक कंडीशन यहाँ पर ट्रू है ठीक है तो ध्यान देना ये हमें चेक करना है कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा अगर यहाँ पर जाएंगे i इज इक्वल टू वन तो हम इस स्टेटमेंट पर जाएंगे और ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा लूप ये होगा हमारे पास दैट इज़ लॉग वन टाइम्स नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस जाएंगे इधर दोबारा से आई की वैल्यू आपके पास टू आएगा तो ये दूसरा लूप कितनी बार चलेगा वो लॉग टू टाइम्स फिर आपके पास आई की वैल्यू अगर आपके पास थ्री तो कितनी एक बार एग्जीक्यूट एक एक होगा लॉग थ्री टाइम्स उन सबको आप चेक करोगे अगर आपके पास आई की वैल्यू एन है तो आपके पास लॉग एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो सबको ऐड कर लो यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री अप टू सो ऑन लॉग एन ये वैल्यू आपके पास आएगी और यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा दैट इज लॉग वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई अप टू सो ऑन एन

ऑफ़ द एलगोर्थम वुड बी आपकी जो एल्गोर्थम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी मुझे बतानी है अगेन कंसिडर दल्गोर्थम दैट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ साइज एन आपके पास एक एल्गोर्थम है जहाँ पर इनका साइज एन है और एक हमें उसका टू सब प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है जहाँ पर एन माइनस वन टाइम यहाँ पर लगेगा देन कम्बाइनिंग दॉल्यूशन उसको कम्बाइन भी करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी यहाँ पर रही होगी और द करेक्ट आंसर है जो है वो इस सभी में से अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि द करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर दैट इज़ टू रेज पावर एन टाइम यहाँ पर लगेगा तो यहाँ से ए बी सी डी ये सारे गलत है तो ई e जो है वो इसका सही आंसर है देखो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो मैं आपको ना एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ तो उस लिंक को आप चेक कर लेना ठीक है तो लेट मी शो यू तो मेरा इसके ना एक वीडियो है मेरे पास तो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया मैंने यहाँ से ठीक है तो पहला जो वीडियो है ना ये वीडियो है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है इट्स वेरी गुड वीडियो और इस वीडियो को आप देखना पूरा कॉन्सर्ट समझाया है और लगभग वो सिक्सटी थ्री थाउजेंड ज़्यादा व्यूज़ रहे हैं इसके अंदर तो बहुत अच्छा वीडियो है इसके अंदर ठीक है कमेंट्स भी बच्चे हैं बच्चों के बेस्ट ले बेस्ट लेक्चर्स फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ चेंजिंग वीडियो है ना रेली गुड लैक्चर्स है ना एक्सिलेंट लेक्चर्स तो ये एक वीडियो है ये बहुत अच्छा चला है ठीक है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो लगभग साढ़े छः घंटे की क्लास है सिक्स पॉइंट सिक्स आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट समथिंग तो सब कुछ ऐसेम टॉटिक और सब कुछ यहाँ से गिवन है तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो ओके और थोड़ा सा आप यहाँ पर भी जाएँगे ये भी एक वीडियो है ये भी बहुत पुराना वीडियो है ये भी मेरा इससे शायद एक लाख से ज़्यादा व्यूज़ है आई थिंक दो लाख होने वाले हैं इसके अंदर भी पाँच साल पहले बनाया था तो यहाँ पर भी जो है तो कमेंट इसके बहुत अच्छे हैं बच्चों के ठीक है तो ये जो है आप इधर देख सकते हो इसके अंदर ठीक है कमेंट आप देख लोगे यहाँ से नाइसली एक्सप्लेन वगैरह वगैरह और थोड़ा सा फाइनली गॉट अ परफेक्ट लेक्चर्स वगैरह वगैरह तो ये वीडियो है आप यहाँ से इसको देख सकते हो ठीक है इट्स ऑल्सो वेरी गुड वीडियो ये कभी ऐसे ऐसी मस्ती करता मस्ती के टाइम पर वीडियो बनाया था बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी द कॉन्सेप्ट ठीक है कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है इट्स अ वेरी गुड लेक्चर ठीक है अशेर अशेयर व्यू डोंट वरी आपको मैं शेयर कर दूँगा यहाँ से तो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास रिकर्जन uh, जो यहाँ पर आ रही है तो रेकरेंस आ रही है तो रेक्रेंस के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो यानी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको टाइम लगेगा अगर प्रॉब्लम का साइज टी एन है तो हमने क्या किया इसको दो सब प्रॉब्लम से सॉल्व किया जहाँ पर आपको एन माइनस वन उसका साइज़ होगा यानी कि एक साइज़ हो जाएगा टेन माइनस वन दो टाइम लगेगा एन माइनस वन और फिर इनको कंबाइन करना है और कंबाइन करने के लिए आपको कोई भी अलगोर्थम यूज़ किया है कम्बाइन में वैसे तो बिग ऑफ एन टाइम यहाँ से लगता है मर्ज सॉर्ट करने के लिए ठीक है बट सॉल्व उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैंशन नहीं है तो मैं इसको एज ए कॉन्सटेंट की तरह एज्यूम कर रहा हूँ ठीक है सिम्पलिसिटी के लिए तो अगर आप चेक करोगे इस केस में भी तो एक कुछ रिलेशन निकलेगा दैट इज़ टू इंटू टी एन माइनस वन प्लस सी ऐसा कुछ रहेगा वैसे तो सी की जगह पर बिग ऑफ एन यहाँ से यूज़ करेंगे बट इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टू रेज पावर एन के आसपास रहेगी ठीक है तो जो भी किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा सो द करेक्ट आंसर इज टू रेज पावर एन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है बाय द वे नॉट अ प्रॉब्लम इसका एक वीडियो का लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यू कैन वॉच दैट उसमें सब कुछ अवेलेबल है काफ़ी अच्छा वीडियो है और सब सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए ठीक है और एज ऑफ नाउ वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सिम हेम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स